पार्वती नाट्य समिति, संस्कार भारती मध्य क्षेत्र एवं राजा मानसिंह तोमर संगीत एवं कला विश्वविद्यालय के ये संयुक्त तत्वावधान में 4 दिवसीय विश्व आदिवासी दिवस के अवसर पर वनवासी महोत्सव लोक रंग एवं लोक वार्ता का आयोजन किया जा रहा है, ये चल रहा है और इसका प्रारंभ 9 अगस्त 2021 को हुआ और आज इसका समापन दिन है। और इसी क्रम में मैं आपको एक बार बताना चाहता हूं कि पूर्व में हमने किस किस तरह के कार्यक्रम आयोजित किए। प्रथम दिन प्रथम सोपान पर माता शबरी का पूजन किया एवं लोक कलाओं की प्रस्तुति हुई, जिसमें मुख्य अतिथि के रूप में विराजमान थे डॉक्टर अनूप मिश्रा जी। दिनांक 9 अगस्त 2021 और स्थल था हस्तिनापुर सीधी। स्थानीय संयोजक थे मणिराज कौल। लोक रंग की द्वितीय दिवस की द्वितीय प्रस्तुति के संदर्भ में 10 तारीख को प्रस्तुति हुई लोक रंग की, जिसमें स्थानीय स्थल था अमरवाड़ा छिंदवाड़ा और स्थानीय संयोजक थे अंबर तिवारी। लोक रंग की तृतीय प्रस्तुति में 11 तारीख को दसई मांडू धार में लोक रंग की प्रस्तुति हुई, जिसमें स्थानीय संयोजक थे कृष्णा मालीवार। और चतुर्थ सोपान अंतिम समापन अवसर पर लोक रंग की प्रस्तुति हुई 12 तारीख को समनापुर डिंडोरी में और स्थानीय संयोजक थे शुक्ल भुरवे जी। इसी क्रम में इस संपूर्ण कार्यक्रम को हमने 2 सत्रों में बांटा है। प्रथम सत्र है लोक रंग का और संध्याकालीन जो सत्र है वो है लोक वार्ता का। और लोक वार्ता के क्रम में जो प्रतिदिन संध्या काल में 7 बजे आयोजित किया जाता है, इसके प्रथम दिन मुख्य अतिथि और मुख्य वक्ता के रूप में विराजमान रहे श्री गिरिजा शंकर सर, परम आदरणीय वरिष्ठ पत्रकार एवं कला समीक्षक। कार्यक्रम की अध्यक्षता की हमारे मार्गदर्शक और हमारे पथ प्रदर्शक श्री प्रमोद झा भाई साहब जी, जो क्षेत्रीय संगठन मंत्री हैं संस्कार भारती के, और मुख्य वक्ता के रूप में रही श्रीमती शुभा वैद्यताई, जो सुप्रसिद्ध चित्रकार है। संपूर्ण जो हमारी परिकल्पना है उसकी विषय वस्तु है आदिवासी कलाएं और संभावनाएं, और इस संपूर्ण विषय को हमने 4 दिवस में 4 विषयों में रेखांकित किया है। प्रथम दिवस था आदिवासी चित्रकलाएं स्वरूप और संभावनाएं, इस विषय पर वृहद परिचर्चा हुई, व्याख्यान हुए। इसी के साथ द्वितीय दिवस में जो विषय था आदिवासी नाट्य कलाएं स्वरूप और संभावनाएं, और उस दिवस परम आदरणीय बसंत निर्गुणे सर मुख्य अतिथि मुख्य वक्ता के रूप में विराजमान थे और अन्य वरिष्ठ रंगकर्मी भी उस कार्यक्रम के दौरान मौजूद रहे। कार्यक्रम के तृतीय सोपान में विषय था आदिवासी नृत्य कलाएं स्वरूप और संभावनाएं, और इस विषय पर मुख्य अतिथि एवं मुख्य वक्ता के रूप में विराजमान रहे डॉक्टर ओम प्रकाश भारती जी, विभाग अध्यक्ष नाट्य कला विभाग वर्धा विश्वविद्यालय। साथ ही विषय वस्तु प्रकाश के लिए थी युवा रंगकर्मी प्रियंका ठाकुर जी। और आज इस कार्यक्रम का समापन सत्र है, चतुर्थ सोपान है, और आज का बहुत ही महत्वपूर्ण और बहुत व्यापक विषय है आदिवासी संगीत कलाएं स्वरूप और संभावनाएं। और इस विषय पर हमारे मार्गदर्शक और संरक्षक हैं प्रमोद झा भाई साहब, आदरणीय गिरिजा शंकर सर। मुख्य अतिथि के रूप में विराजमान है वरिष्ठ फिल्म एवं रंगकर्मी श्री राजीव वर्मा जी। मुख्य वक्ता के रूप में विराजमान है श्री संजय उपाध्याय, आदरणीय गुरुजी सर, प्रख्यात रंगकर्मी वरिष्ठ रंगकर्मी एवं संगीत नाटक अकादमी अवार्डी प्राप्त। कार्यक्रम की अध्यक्षता कर रहे हैं विश्वविद्यालय के माननीय कुलपति जी प्रोफेसर पंडित साहित्य कुमार नाहर जी। विशिष्ट अतिथि एवं मार्गदर्शन प्रदान कर रहे हैं डॉक्टर कृष्णकांत शर्मा जी, कुल सचिव राजा मान सिंह तोमर संगीत एवं कला विश्वविद्यालय। मैं आप सभी सुधी जनों का बहुत ही संपूर्ण आयोजक मंडल, नीरज भाई एवं रोशनी जी, मैं स्वयं और संपूर्ण परिवार के सदस्यगण जो इस आयोजन मंडल से जुड़े हुए हैं, उन सभी की तरफ से आप सभी का स्वागत वंदन अभिनंदन करता हूं। और सर्वप्रथम इस कार्यक्रम के शुभारंभ के लिए, जैसा कि क्रम है, हमारे विश्वविद्यालय के माननीय कुलपति जी प्रोफेसर पंडित साहित्य कुमार नाहर जी जुड़े हैं जो कार्यक्रम की अध्यक्षता कर रहे हैं, मैं उनसे अनुरोध करूं उससे पहले
मैं वो किसी परिचय के मोहताज नहीं, उनका बहुत लंबा कार्यकाल है, बहुत लंबा वृद्ध अनुभव है कला संगीत को लेकर। आप सितार के बहुत बड़े वादक हैं और एक घरानेदार परंपरा से ताल्लुक रखते हैं, साथ ही आपको उत्तर प्रदेश संगीत नाटक अकादमी अवार्ड से भी आप सम्मानित हैं। इसके अलावा देश और अंतर्राष्ट्रीय स्तर के अनेक सम्मान से आपको विभूषित किया गया है। आपका बहुत लंबा एक प्रशासनिक 40 वर्ष से भी अधिक का प्रशासनिक अनुभव रहा है। इसमें आपने विश्वविद्यालय एवं अन्य संगठनों से संबंधित जितने भी महत्वपूर्ण दायित्व होते हैं उनका भी बहुत बखूबी निर्वाह किया है। और वर्तमान में आप राजा मानसिंह तोमर संगीत एवं कला विश्वविद्यालय, जो महाराजा मानसिंह तोमर और संगीत के ददीप्तमान नक्षत्र तानसेन जी की नगरी है, उसमें जो विश्वविद्यालय कला का संचालित हो रहा है उसमें कुलपति के पद पर आसीन हुए हैं। और जब से हमारे विश्वविद्यालय माननीय कुलपति सर आए हैं, विश्वविद्यालय निरंतर चहुमुखी विकास की ओर अग्रसर है। मैं आपका अपनी वाणी के माध्यम से, क्योंकि एक ऐसा माध्यम है सिर्फ यही संभव है, इसलिए मैं आपका अपनी वाणी के माध्यम से स्वागत वंदन अभिनंदन करता हूं। और साथ ही आपसे अनुरोध करता हूं कि आप अध्यक्षीय उद्बोधन प्रस्तुत करते हुए इस विषय पर भी हमारा मार्गदर्शन करें। आपके मुखारविंद से हम सभी अभिभूत होना चाहते हैं, परम आदरणीय प्रोफेसर पंडित साहित्य कुमार नाहर सर। सभी उपस्थित विद्वत जनों को सादर नमस्कार। इंद्रवती नाट्य समिति, संस्कार भारती मध्य क्षेत्र एवं राजा मानसिंह तोमर संगीत एवं कला विश्वविद्यालय के नाट्य एवं रंगमंच विभाग के, मैं तो कहूंगा ये मणिकांचन त्रिवेणी सहयोग है, जिसके माध्यम से विश्व आदिवासी दिवस के अवसर पर ये जो चतुर दिवसीय वनवासी दिवस का कार्यक्रम आयोजित हो रहा है उसका आज चतुर्थ और अंतिम सत्र है। आज के इस आयोजन के मुख्य अतिथि माननीय श्री राजीव वर्मा जी, इनसे दूरभाष पर हमारी कई दफा बात हुई, अभी सामने आभासी रूप से हम मिल भी रहे हैं। विशिष्ट अतिथि हमारे विश्वविद्यालय के कुल सचिव डॉक्टर कृष्णकांत शर्मा जी, संरक्षक प्रसिद्ध नाट्यकर्मी श्री गिरिजा शंकर जी, माननीय श्री प्रमोद झा जी, डॉक्टर अनूप मिश्रा जी, सबके प्रति मैं हृदय से आभार व्यक्त करता हूँ। विशेषकर हमारे कर्मठ कार्यकर्ता, हमारे विश्वविद्यालय के हमारे सहयोगी डॉक्टर हिमांशु द्विवेदी और नीरज जी जो आयोजन हैं। इस लोक रंग की जो बहुआयामी आयामी धारा आप लोगों ने बहाई है, बहा रहे हैं, इसमें मुझे भी आपने जोड़ा, मैं इसके लिए हृदय से आभार व्यक्त करता हूं। निसंदेह डॉक्टर हिमांशु जी ने जैसा कहा, शिक्षा और संगीत के क्षेत्र में ईश्वर और गुरु की कृपा से मैंने इतने वर्ष बिताए हैं। संजय जी विशेष रूप से आज के जो मुख्य वक्ता हैं वो मेरे बड़े अभिन्न हैं, हमारे अनुज डॉक्टर संतोष नाहर जी और राजकुमार नाहर जी के बिल्कुल कंटेम्परेरी हैं, बहुत ही अपने विधा के निष्णात विद्वान हैं। वैसे तो मैं देखिए संगीत का विद्यार्थी हूं, किंतु नाट्य रंगमंच, लोक जीवन, लोक रंग, लोक संस्कृति के विभिन्न पहलू से हमारा भी सारोकार बहुत पड़ा है। हम जानते हैं लोक और रंग, ये दो शब्द इसमें समाहित हैं। वैसे तो आज श्री संजय उपाध्याय जी का मुख्य वक्तव्य है और इतने विद्वत जन इस विधा के हैं, मुझे कुछ बोलना बहुत अच्छा नहीं लग रहा है, और हिमांशु जी का ये आदेश हुआ है। देखिए कलाएं जितनी हैं, सारी कलाओं की जो मूल आत्मा है वो है आनंद की, और अपने जो मानव मन में जो अनुभूति हम जो अनुभव करते हैं उसको अभिव्यक्त करने के अलग अलग साधन होते हैं, संसाधन अलग होते हैं, किंतु जो अनुभूति को हम अभिव्यक्त करते हैं उसका जो परम लक्ष्य है वो आनंद की अनुभूति, और अपने मनोभावों को और जो हम अपने सामाजिक परिवेश से
जो हमारी सांस्कृतिक धरोहर से जो हम सीखते हैं, जो अपने गुरुजनों से, बड़ों से, क्यों हम अपने गुरुजनों को बहुत प्रणाम करते हैं, उनके चरणों में वंदन करते हैं, क्योंकि वो हमारे संस्कृति के न केवल प्रमुख स्तंभ माने जाते हैं, वरन उस धरोहर को आगे के जनरेशन में वो प्रदत्त करते हैं, बढ़ाते हैं, मार्गदर्शन देते हैं, शिक्षण देते हैं। जहां तक मैं समझता हूं, लोक शब्द से हम सभी जुड़े हैं, समाज का चाहे कोई भी व्यक्ति हो, किसी भी क्षेत्र का हो, और रंग रंग रंगना, रंग जाना, रंग देना, मैं तो समझता हूं कि रंग जो शब्द है ये तो हर्ष और उल्लास का प्रतीक है। इतने प्रकार के रंग हैं, और चित्रकला में, नाट्य एवं रंगमंच की कला में हम रंग का तो प्रत्यक्ष अनुभव करते हैं जब हम पेंटिंग्स करते हैं, वो चाहे फोक आर्ट हो या ट्रेडिशनल आर्ट हो। हमारे संगीत में भी रंग और रंगना और रंग शब्द का बड़ा महत्वपूर्ण स्थान है। देखिए, हमारे शास्त्रों में संगीत, दामोदर जी ने संगीत दर्पण में स्वरों के भी रंग बताए हैं, षडज का रंग, ऋषभ का रंग, गंधार का रंग, कमलाभः स्वरः षडजः, ऐसा कहा गया है कि जो षडज स्वर, हमारा जो आधार स्वर है, वो कमल के समान पिंक कलर का है वो। इसी प्रकार ऋषभ का, गंधार का, मध्यम का, और हम जब स्वरों के माध्यम से राग की निर्मिति करते हैं और रागों की प्रस्तुति करते हैं, तो भले ही मेरे पास वो कलर नहीं होते जो प्रत्यक्ष रूप से हम चित्रकला में देखते हैं, वो उपकरण और उपादान नहीं होते जो रंगमंच में, मंच पर हमारे कलाकार, हमारे विद्वत उसको सजा के और वाणी के माध्यम से, डायलॉग के माध्यम से, अपने बॉडी एक्सप्रेशंस के माध्यम से अभिव्यक्त करते हैं, मगर जो स्वर और जो राग, जो रिदम हमारे पास होते हैं, उनमें भी एक रंग होता है, वो प्रकट न होके अप्रकट रूप में ही रहता है, क्योंकि रागों की एक प्रकृति होती है। हम मल्हार शब्द का इस्तेमाल करते हैं, मल्हार, तुरंत हमारे दिमाग में ये बात आ जाती है कि वर्षा ऋतु में गाया बजाया जाने वाला राग, मलहर, मल्हार का जो एक हम उसको बांटते हैं शब्दों में, मलहर, जो गंदगी को, हमारे मन में जो कलुषता है, जो कपट है, द्वेष है, संगीत में तो द्वेष की कहीं बात ही नहीं है, हमेशा राग ही राग है, राग है, अनुराग है। तो स्वरों के भी एक रंग होते हैं, और जब हम उन रंगों से, उन स्वरों से राग की निर्मिति करके जब हम बंदिशों की प्रस्तुति करते हैं, तो मन में हम भिन्न भिन्न स्वरों के संयोग से उन रंगों का भी संयोजन करते हैं। जैसे चित्रकला में रंगों के संयोजन के लिए तीन बातें महत्वपूर्ण है, जहां तक मुझे जानकारी है, बल, रंगत और घनत्व। तीन बातें हमारे चित्रकला के जो विशेषज्ञ हैं वो व्यक्त करते हैं कि रंगों का कहां कैसे आपस में एक संयोजन करेंगे कि हमें वो भाव प्रकट होगा। मूल रंग तीन हैं, फिर उनसे मिला के अनेक रंगों की कल्पना होती है। दूसरी बात, जो जैसे कहते हैं ना, रंग बहुत गाढ़ा है, हल्का है, शेडेड है, हमारे संगीत में काकू का प्रयोग किया जाता है, जो कि मेरे ख्याल से नाट्य और रंगमंच में भी है। किस शब्द पर, किस स्वर पर, हम कहां पर काकू में हम स्वरों की जो है वो गहनता बढ़ाएंगे, कहां हल्का करेंगे, कहां मॉड्यूलेशन करेंगे, इससे भी हमारे रंगों की अभिव्यक्ति होती है। और लोक तो एक ऐसा शब्द है कि ये कहा जाता है कि शास्त्रीय संगीत ही लोक संगीत से कहीं न कहीं निकल के उभर के हमने आया है। वो चाहे राजस्थान का लोक संगीत हो, वो चाहे बिहार का हो, असम का हो, पंजाब का हो, हिमाचल प्रदेश का हो, कहीं का भी हो, हम उन लोक संस्कृति से कभी भी भिन्न नहीं है। हमारे शास्त्रीय संगीत में मांड, राग गारा, राग पहाड़ी, ये सब सारी लोक संस्कृति और लोक रागों से ही ली गई है। और लोक कलाओं और लोक संस्कृति की तो इतनी विशद बात है
कि देखिए बहुत से तो जो लोग कलाकार हमारे गांव में हैं, हमारे सुदूर क्षेत्रों में निवास करते हैं, वो शायद इतने पढ़े लिखे भी शिक्षित भी नहीं होते, मगर जैसे मधुबनी पेंटिंग बिहार में है, संजय जी विशेष रूप से इस पर प्रकाश डालेंगे, तो वहां जो महिलाएं मधुबनी पेंटिंग करती हैं उन्हें पता नहीं है गांव में शिक्षा से कि हम कहाँ हैं क्या कर रहे हैं, मगर उन जो रंगों से जो वो कला की अनुकृति बनाती हैं वो अपना अपने आप में देश में ही नहीं, मैं तो समझता हूँ कि विदेशों में भी वह ख्याति प्राप्त है। और लोक कला लोक संगीत, मैं एक उदाहरण बताना चाहूंगा, हमारे इलाहाबाद विश्वविद्यालय में फिजिक्स डिपार्टमेंट में एक चतुर श्रेणी कर्मचारी एक यादव जी थे, अब तो वो नहीं हैं, वो ऐसे ही बिरहा गाया करते थे, धीरे धीरे गाते गाते प्रचार होते होते वो इतने लाइमलाइट में आए कि उत्तर मध्य क्षेत्र सांस्कृतिक केंद्र से उनकी जो कला है देश विदेश में उनको मौका दिया जाने लगा, और वो अपने कला से, तो कहने का तात्पर्य यह है हमारा कि जो लोक रंग लोक संस्कृति और लोक संगीत के माध्यम हमारी जो व्यक्ति होती है ये हमारे देश की संस्कृति है, और हम रंगों को संगीत में भी आत्मसात करते हैं, रंगों को हम चित्रकला में भी आत्मसात करते हैं, और नाट्य रंगमंच कोई भी कला हो, शब्दों का डायलॉग का जो एक्सप्रेशन होता है, जो हाव भाव होता है, हमारा हस्त संचालन, हमारे फेस का एक्सप्रेशन, हमारे नृत्य में देखिए चक्षु संचालन और हाव भाव जो जितने चीजें होती हैं सब में बहुत ही रंगात्मक प्रस्तुति होती है। हमारे नाद के भी तीन गुण बताए जाते हैं, ऊंचा नीचापन, छोटा बड़ापन और नाद की जाति। तो लोक कलाओं में लोक रंग में लोक संगीत में हमारी आत्मा बसती है, हम इससे भिन्न नहीं हैं। मैं बहुत ज्यादा समय आपका नहीं लूंगा, एक बार फिर से मैं आप सबके प्रति आभार व्यक्त करते हुए, और डॉक्टर संजय उपाध्याय जी, श्री राजीव वर्मा जी, गिरिजा शंकर जी और श्री प्रमोद झा जी, अगर स्क्रीन पर दिख तो नहीं रहे हैं मुझे, मैं इन्हीं बातों के साथ जो मेरी अभिव्यक्ति है इसके साथ मैं अपनी बातों को यहीं समाप्त करता हूं, और आपके प्रति फिर से आभार व्यक्त करता हूं, और सभी विद्वजनों का मैं हृदय से अभिवादन और सादर नमस्कार करता हूं। बहुत बहुत नमस्कार, धन्यवाद, बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद परमादरणीय माननीय कुलपति सर प्रोफेसर पंडित साहित्य कुमार नाहर जी। आपने निश्चित ही रूप से संगीत और लोक रंग के जो विविध पक्ष हैं, जिनमें शास्त्रीय अनुभूति है और उसकी जो विशेषताएं हैं राग अनुराग, उसको बहुत ही सरल और संक्षिप्त तरीके से आपने अभिव्यक्त किया है। निश्चित ही आपका आशीर्वचन और आपका मार्गदर्शन और साथ में आपका उद्बोधन हम सभी के लिए प्रेरणादायी है, और इस तरह के प्रयास हम निरंतर करते रहेंगे। और मैं एक और बताना चाहता हूं, क्योंकि ये कार्यक्रम की जो रूपरेखा है बहुत शीघ्रता में निर्धारित हुई, नीरज जी रोशनी जी ने जैसे ही कहा हिमांशु जी ऐसा करना है और ऐसी तरह का आयोजन, मैंने कहा बहुत अल्प समय है, तो मैंने जैसे ही यह प्रस्ताव माननीय कुलपति सर के समक्ष रखा उन्होंने सहर्ष स्वीकार किया और बहुत शीघ्रता से एक ही दिन में स्वीकृति प्रदान कर दी। तो इस तरह आपका आशीर्वाद आपका प्रेम मार्गदर्शन हम सभी पर बना रहे, आप कार्यक्रम में उपस्थित रहे सर, इसके लिए दिल से संपूर्ण आयोजक की तरफ से आपका बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत आभार सर, बहुत धन्यवाद, थैंक यू। मैं कार्यक्रम के अगले चरण पर जाऊं उससे पहले मैं स्वागत वंदन करता हूं हमारे ही ग्वालियर के वरिष्ठ रंगकर्मी जुड़े हुए हैं आदरणीय प्रदीप दीक्षित भाई साहब, जो कल भी थे हमारे साथ, लगातार हमारा उत्साह वर्धन कर रहे हैं, मार्गदर्शन कर रहे हैं। हमारे साथ श्री अशोक आनंद जी भाई साहब भी जुड़े हुए हैं, उनका भी लगातार प्रेम और हमारे सहयोग प्राप्त हो रहा है, उनका भी इस आयोजन में हम स्वागत वंदन अभिनंदन करते हैं। भाई साहब स्क्रीन ऑन कीजिए जिससे हम आपको साक्षात देख सकें, मैं आपका स्वागत वंदन अभिनंदन करता हूं। और अब मैं अनुरोध करता हूं हमारे ही विश्वविद्यालय के परम सम्माननीय माननीय कुल सचिव सर डॉक्टर कृष्णकांत शर्मा जी कि वो अपना आशीर्वचन हमें प्रदान करें। उससे पूर्व मैं कहूं कि वो एक बहुत अच्छे कुशल प्रशासक, बहुत लंबा आपका प्रशासनिक अनुभव है, आप मूल रूप से मैथमेटिक्स के प्रोफेसर हैं और लगातार उत्कृष्ट कार्य कर रहे हैं विश्वविद्यालय में भी, नए नए आयाम स्थापित करने के लिए, रचनात्मक कार्यों को संपन्न कराने के लिए आपका मार्गदर्शन प्राप्त हो रहा है हम सभी को।
तो मैं आपसे विनम्रता पूर्वक आग्रह करता हूं कि हम सभी को अपना आशीर्वचन और शुभकामनाएं संदेश प्रेषित करने की कृपा करें। डॉक्टर कृष्णकांत शर्मा सर, आदरणीय सर। सभी को नमस्कार। तोमर संगीत एवं कला विश्वविद्यालय के माननीय कुलपति आदरणीय शंकर जी और डॉक्टर हिमांशु, इतने महानुभाव जुड़े हुए हैं, आनंद जी हैं, प्रदीप जी हैं, आप संगीत एवं कला विश्वविद्यालय इस कार्यक्रम का सह आयोजक हैं। आज जैसा कि हिमांशु जी ने बताया कि वनवासी महोत्सव के अंतर्गत ऐसे शुभ अवसर पर हमारे रानी गोडल्यू हैं, ऐसे अनेक हमारे संग्राम, क्योंकि जैसा डॉक्टर हिमांशु ने बताया कि आजकल जो केंद्रित हम सबको याद होगा वंकिम चंद चटर्जी का एक उपन्यास आनंद मठ, में इस उपन्यास का कितना महत्वपूर्ण योगदान है हमारे वंदे मातरम जो रचित है, और आनंद मठ का जो मंचन है वो उस समय देश के विभिन्न स्थानों में किया था। रंगमंच निश्चित रूप से हमारे जीवन के प्रत्येक क्षेत्र में ने पहले ही बताया था। थोड़ी नेटवर्क की प्रॉब्लम आ रही है सर, आपकी आवाज बीच बीच में कट के आ रही है हम सभी को। जी जी है, आदिवासी शब्द का उपयोग हुआ है, आदिवासी महोत्सव। इसे कहीं पुनर्विचार की आवश्यकता। आदरणीय सर, आपकी आवाज बहुत कट रही है, एक्चुअली शायद नेटवर्क की प्रॉब्लम हो रही है, आपकी आवाज कट कट के आ रही है बहुत ज्यादा सर। थैंक यू सो मच सर, थैंक यू सो मच। लेकिन निश्चित ही भले ही ये नेटवर्क की प्रॉब्लम के कारण व्यवधान रहा हो, लेकिन आपका मार्गदर्शन, आपका जो शुभकामना संदेश है, आपके जो आशीर्वचन है, वो हम सबको प्राप्त हुए हैं, उसके लिए मैं संपूर्ण आयोजक मंडल की तरफ से आपका दिल से धन्यवाद करता हूँ। परम आदरणीय कुल सचिव सर, मैं स्वागत वंदन करता हूँ हमारे बीच परम आदरणीय हमारे मार्गदर्शक और संरक्षक आदरणीय प्रमोद झा भाई साहब जुड़ गए हैं। मैंने अभी उनको स्क्रीन पर देखा, हम आपका पूर्व में स्वागत कर चुके हैं, लेकिन जैसे ही स्क्रीन पर देखा तो मैं आपका पुनः वंदन अभिनंदन करता हूं परम आदरणीय भाई साहब। इसी के साथ हमारे साथ जुड़े हुए हैं वरिष्ठ रंगकर्मी आलोक चटर्जी सर, मैं उनका भी स्वागत वंदन अभिनंदन करता हूं, और जो भी विशिष्ट रंगकर्मी महानुभाव और हमारे रिसर्च स्कॉलर शोधार्थी विद्यार्थी और देश देशांतर, कलकत्ता, बंगाल, महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश, उत्तर भारत, जम्मू कश्मीर, जहां जहां से जितने भी सुधी दर्शक जुड़े हुए हैं देश भर से, मैं उन सभी का स्वागत वंदन अभिनंदन करता हूँ। कार्यक्रम के अगले क्रम में अब मैं हमारे जो आज के मुख्य अतिथि हैं, मैं उनके बीच जाना चाहूंगा। हमारे आज के मुख्य अतिथि हैं परम आदरणीय राजीव वर्मा सर, जो वरिष्ठ फिल्म एवं रंगकर्मी हैं, उन सभी से, उनसे, उनके काम से हम सभी परिचित हैं, और एक बहुत लंबे अरसे से हम उनको देखते आ रहे हैं, उनसे मार्गदर्शन और प्रेरणा प्राप्त कर रहे हैं। फिर भी मैं आपका एक संक्षिप्त परिचय यहाँ पर प्रस्तुत करना चाहता हूँ। परम आदरणीय श्री राजीव वर्मा सर का जन्म होशंगाबाद मध्य प्रदेश में हुआ।
1972 में एम ए सी टी और वर्तमान में अब एम ए एन आई टी भोपाल से आपने वास्तुकला में स्नातक किया। 1986 में अर्बन डिजाइनिंग में आपने मास्टर डिग्री की उपाधि प्राप्त की एस टी ए नई दिल्ली से, एवं हमीदिया कॉलेज भोपाल से 1989 में एलएलबी की आपने पढ़ाई की। स्वर्गीय श्री बाबा कारंत जी के निर्देशन में नाट्य विधा का आपने शॉर्ट कोर्स का पाठ्यक्रम 1973 में एमपी कला परिषद भोपाल के माध्यम से पूर्ण किया। तदोपरांत 1967 से आप लगातार ऑल इंडिया रेडियो में ड्रामा वॉइस के ए ग्रेड कलाकार हैं। आपने 23 वर्ष तक मध्य प्रदेश शासन के नगर एवं देश योजना विभाग में संयुक्त निदेशक वास्तुकार योजनाकार के रूप में अपनी सेवाएं दी हैं और 1996 में इस पद से वीआरएस ले लिया। आप 60 वर्षों से लगातार रंगमंच में सक्रिय रूप से जुड़े हुए हैं। गांव में होने वाली रामलीला में भगवान राम की वानर सेना में सदस्य के रूप में आप बचपन से ही अपने अभिनय कौशल को कर रहे हैं। पिछले 40 वर्षों से अधिक आपने स्वयं के नाट्य ग्रुप थिएटर ग्रुप भोपाल थिएटर के साथ बहुत लंबी यात्रा की है और देश विदेशों में लगातार नाटक का मंचन कर रहे हैं। रंगमंच के अलावा आप पिछले 35 वर्षों से फिल्म और टेलीविजन से भी जुड़े हुए हैं और कार्य कर रहे हैं। डीडी नेशनल पर आपका पहला टीवी सीरियल चुनौती था और आपकी पहली फिल्म राजश्री प्रोडक्शन की मैंने प्यार किया थी। आप मध्य प्रदेश के लिए भारत सरकार के चुनाव आयोग का राज चिन्ह, भारतीय वास्तुकार संस्थान के साथी सदस्य, भारतीय शहरी डिजाइन संस्थान के सदस्य, आर्किटेक्ट काउंसिल के सदस्य, सिने और टीवी कलाकार संघ के जीवन सदस्य, आवाज कलाकारों की संघ के आप जीवन सदस्य हैं। आपने अपने टेलीविजन के करियर की शुरुआत सीरियल चुनौती 1987-88 के साथ शुरू किया। आपने अनेक सीरियलों में काम किया जिनमें प्रमुख रूप से मुजरिम हाजिर हो, दूरदर्शन, मिसेज कौशिक की पांच बहुएं आदि प्रमुख हैं। आपने आपको अनेक महत्वपूर्ण सम्मानों से भी सम्मानित किया गया राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय स्तर के। साथ ही आपने फिल्मों में भी महत्वपूर्ण काम किया है। वैसे फिल्मों की सूची अनगिनत है परंतु मैं यहाँ पर प्रमुख फिल्मों के नाम लेना चाहता हूँ। मैंने प्यार किया, सलमान खान के पिता के रूप में आपने भूमिका निभाई, दीदार, हम दिल दे चुके सनम, ये रास्ते हैं प्यार के, हम साथ साथ हैं, कच्चे धागे, बीबी नंबर वन, हिम्मत वाला, जीत, चलते चलते, हर दिल जो प्यार करेगा आदि आपकी प्रमुख फिल्म है। आप आज भी रंग कर्म और कला संस्कृति के क्षेत्र में सक्रिय हैं और संस्कार भारती के महत्वपूर्ण पद पर निर्वाह करते हुए कला की सेवा कर रहे हैं। ऐसे ओजस्वी कलाकार परम आदरणीय राजीव वर्मा सर का मैं संपूर्ण आयोजक मंडल की तरफ से स्वागत वंदन अभिनंदन करता हूं और साथ ही आपसे विनम्र प्रार्थना करता हूं कि आप हम सभी को संबोधित करते हुए इस विषय पर भी संक्षिप्त प्रकाश डालें। परम आदरणीय राजीव वर्मा सर। धन्यवाद भाई हिमांशु, आपने बहुत ज्यादा विस्तृत जिसको बोलते हैं परिचय दिया, उसकी आवश्यकता नहीं थी। ये मैं सबसे पहले तो आप सबको बहुत बहुत आभार प्रकट करता हूं कि आपने इस 4 दिवसीय कार्यक्रम जो एक वनवासी कला मंच के लिए, एक आदिवासियों के लिए प्रमुख रूप से एक प्रेरणा का स्रोत रहा होगा, हम लोगों को बहुत सारी जानकारी मिली। कल के उस प्रोग्राम में भी शामिल था मैं, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ, आभार प्रकट करता हूँ सारे दर्शकों और श्रोताओं जो आपसे जुड़े इन 4 दिनों। संजय भाई का मैं तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूँ कि आपके जरिए उनसे मेरी मुलाकात हुई, और नाहर जी आपसे टेलीफोन पे बात हुई है, बहुत बहुत शुक्रिया, कभी ग्वालियर आने का मौका मिलेगा। नमस्कार राजीव वर्मा जी, नमस्कार। देखिए बेसिकली तो मैं एक थिएटर आर्टिस्ट हूँ, लेकिन ये कमबख्त फिल्मों का ऐसा सिलसिला जुड़ा है कि ये लगता ये है कि रंग कर्म तो अलग रह गया, ये फिल्म, इसलिए मैंने अब सारा छोड़ दिया है। अब मैं यहाँ फिर से अपने रंग कर्म में पूरी तरह से लग गया हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद आपका।
संगीत एक ऐसी विधा है, मुझे लगता है कि इस पर ज्यादा प्रकाश तो हमारा जो आज का विषय है उस पर संजय जी डालेंगे और मैं सुनने को बहुत उत्सुक हूँ, लेकिन जहां तक मैं समझता हूँ संगीत मेरे ख्याल में दुनिया में सबसे पहले संगीत ही शुरू हुआ होगा और संगीत वनवासियों या आदिवासियों या हमारे जो पूर्वज रहे हैं मानवों के वहीं से शुरू हुआ है। इसलिए हम तो उनके मेरे ख्याल में उसके अलग अलग विधाओं पे उसकी अलग अलग शाखाओं पे चर्चा करते हैं जैसा कि आदरणीय नाहर जी ने कहा, लेकिन असली हमारे संगीतकार असली हमारे जो इसके प्रेरणा सूत्र रहे हैं जहां से शुरू हुआ है वो तो हमारे वनवासी हैं, हमारे आदिवासी हैं, यानी हम स्वयं उनकी संतान है ऐसा मैं समझता हूँ। अभी बीच में मैं एक वीडियो क्लिपिंग सुन रहा था आदरणीय हमारे स्वर्गीय बिस्मिल्लाह खान साहब की, उनका यही कहना था कि संसार में कितनी भी जातियां हो जाए कितने भी धर्म हो जाए लेकिन संगीत के सारे गामा जो है सात स्वर जो है ये सबके एक ही होते हैं, वहां पर कोई धर्म नहीं होता, कोई जाति नहीं होती, कोई भेदभाव नहीं होता, कोई देश नहीं होता। तो ये सार सात सुर जो हैं ये हमारे पुरोधा हमारे आदिवासी हमारे वनवासी ही हम तक लाए ऐसा मैं समझता हूँ, और उसकी सारी जो एक एकेडमिक भाषा है उसकी जो एक लैंग्वेज है उसकी जो एक परंपरा है उसको हम लोग आगे बढ़ा रहे हैं। संगीत से मेरा बहुत लगाव है, मेरे ख्याल में कुछ 22-23 साल की उम्र से संगीत सभाओं में मैंने जाना आरंभ किया था, संगीत अच्छा लगता था, सुनने में अच्छा लगता था, उसको सुनने की और उससे आनंद लेने की उससे मनोरंजन प्राप्त करने की मेरी बड़ी हमेशा से इच्छा रही। कल जैसे कि कल हमारे भारती जी बता रहे थे कि मनोरंजन और एंटरटेनमेंट में बहुत फर्क होता है, तो एंटरटेनमेंट नहीं मैंने मनोरंजन प्राप्त किया। मैं इस पर और क्या कहूं, हालांकि संगीत सीखने की इच्छा मुझे बहुत थी, हमारे उस्ताद अब्दुल लतीफ खान साहब से मेरी बड़ी घनिष्ठता थी, मेरे बड़े पूज्य थे वो और रोज अक्सर मिलना होता था उनसे। तो मैंने एक बार उनसे ऐसे ही कहा, मैंने कहा खान साहब मुझे संगीत सीखना है, मुझे गाना सीखना है, तो वो इतनी जोर से हंसे थे कि मुझे शर्म आई, उसके बाद से मैंने कभी उनसे दोबारा नहीं कहा, हालांकि उनका कुछ और मतलब होगा, लेकिन मैं एक किस्सा सुना रहा हूं। संगीत और खासतौर से आदिवासी संगीत और जो हमारा लोक संगीत है, मैं ये देखता हूं कि हमारे जितने भी कलाकार हैं जो लोक संगीत या आदिवासियों का जो संगीत है बेसिक संगीत है उसके साथ जुड़े होते हैं, उसके संगीतकार होते हैं, वो बड़े नर्म और बहुत ही विनम्र स्वभाव के होते हैं। बेसिकली वैसे तो सारे संगीतकार जो हैं बहुत ही विनम्र बहुत ही होते हैं, ये थोड़ी सी जो एक जिसको बोलते हैं ना एक विनम्रता की जो कमी होती है वो मुझे लगता है कि थोड़े थिएटर आर्टिस्ट में भी होती है, हम लोगों में भी है और नृत्यकारों में भी होती है, लेकिन संगीत में मैंने आज तक किसी संगीतकार को बड़े से बड़ा संगीतकार हो उसको विनम्र ही देखा है, उसको असली जिसको बोलते हैं ना कि संवेदनशील कलाकार मैं समझता हूँ। तो संगीत की मैं बड़ी पूजा करता हूँ, उसको कलाकारों को मैं हमेशा सबसे ऊपर मानता हूँ, और हमारा नाटक जो है वो तो बगैर संगीत के तो निर्जीव सा लगता है, उसमें भले ही हम रिकॉर्डेड संगीत बजाएं या लाइव संगीत बजाएं या नया क्रिएट किया हुआ संगीत बजाएं, लेकिन संगीत के बिना वो अधूरा है। तो मैं आप सभी प्रबुद्ध संगीतकारों को विशेष रूप से नाहर जी को, हमारे आज के मुख्य वक्ता संजय उपाध्याय जी को, उनका बड़ा उनके मैंने कितने ही प्रोडक्शन देखे हैं और उनके संगीत का मैं इतना प्रशंसक रहा हूँ, इतना मतलब मैं बड़ा बहुत बड़ा फैन हूँ उनके व्यक्तित्व का, उनके नाट्य कर्म का, उनके संगीत का। मध्य प्रदेश अभी भी आपको मिस करता है संजय जी। तो मैं अपनी बात यहीं खत्म करता हूँ और हमारे उपाध्याय जी का वक्तव्य सुनने के लिए मैं बेचैन। धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद परमादरणीय
राजीव वर्मा सर, आपने बहुत ही संक्षिप्त और सरल भाषा में संगीत की संवेदनशीलता पर बात की, जनजातीय कलाओं का भी उनका क्या स्वरूप है उस पर भी परिचर्चा की, और आपका आशीर्वाद और मार्गदर्शन हमें मिल रहा है, इसके लिए हम आपका दिल से स्वागत वंदन अभिनंदन करते हैं। अब कार्यक्रम के अगले क्रम में मैं हमारे आज के मुख्य वक्ता और एक ऐसे ओजस्वी कला मर्मज्ञ रंगमंच के क्षेत्र में जिन्हों का बहुत लंबा गहरा और एक उत्कृष्ट कार्य है, जिसके लिए मैं जितना कहूं वो अल्प है, वो सूर्य के समक्ष दीप प्रज्वलित करने के समान है, और विशेष रूप से रंगमंचीय निर्देशन, अभिनय कला और साथ में रंग संगीत की जो नई अवधारणा को विकसित किया है, जिनमें अगर हम उनके चरणों की बात करें तो बाबा कारंत के बाद अगर मुझे कोई नाम स्मरण आता, वैसे बहुत है, मैं सभी का सम्मान करता हूं, लेकिन मैंने जहां शिक्षा दीक्षा ली और थोड़े से गुण सूखे, परम आदरणीय संजय उपाध्याय सर, मैं जो हमारे जितने भी शोधार्थी विद्यार्थी हम सब उनसे परिचित हैं, उनके कार्य से परिचित हैं, मैं उनके लिए उनका एक परिचय, संक्षिप्त परिचय जरूर प्रस्तुत करना चाहता हूँ। मध्य प्रदेश नाट्य विद्यालय के पूर्व निदेशक और संस्थापक निदेशक जिसे मैं कहूँ, श्री संजय उपाध्याय जी का जन्म 12 जनवरी 1965 को आपका जन्म बिहार में हुआ। आपने 1985 में पटना विश्वविद्यालय से अंग्रेजी में एमए और 1990 में राष्ट्रीय नाट्य विद्यालय नई दिल्ली से निर्देशन के साथ नाट्य विशेषता में 3 वर्षीय डिप्लोमा किया। आपने 1994-1996 में श्री राम सेंटर फॉर परफॉर्मिंग आर्ट्स नई दिल्ली में कलात्मक निदेशक के रूप में कार्य किया। आपने 1985 में पटना यूनिवर्सिटी स्टूडेंट्स कल्चर सोसाइटी की स्थापना की। राज्य युवा महोत्सव और राष्ट्रीय नाट्य महोत्सव और राष्ट्रीय युवा महोत्सव में भी आपने कई बार भाग लिया। 1987 में आप ओशियन फेस्टिवल फॉर मॉरिशस के लिए चयनित हुए। केंद्रीय संगीत नाटक अकादमी नई दिल्ली द्वारा आयोजित नेशनल थिएटर फेस्टिवल में भी आप कई बार समीक्षक ऑब्जर्वर के रूप में भी नियुक्त किए गए हैं। आपने पीटर ब्रुक के साथ कार्यशाला में भाग लिया। आपने अनेकों कार्यशालाएं एवं नाट्य प्रस्तुतियां देश देशांतर में दी, जिनमें कंबोडिया, सूरीनामा और अमेरिका इत्यादि प्रमुख हैं। साथ ही आप राष्ट्रीय नाट्य विद्यालय, भारतीय हिंदू नाट्य अकादमी, पटियाला विभाग, पंजाब विश्वविद्यालय चंडीगढ़, नीनासम कर्नाटक, मंडी हिमाचल कल्चर रिसर्च फॉर्म एंड थिएटर रेपेट्री, ड्रामा अकेडमी इत्यादि जितने भी नाट्य जगत के देश के प्रख्यात संस्थान है, वहां पर आप विजिटिंग फैकल्टी के रूप में लगातार अपनी सेवाएं दे रहे हैं। आपने बकरी, विदेशिया, जसमा उड़न, नल दमयंती, खड़िया का गहरा, गाजीपुर का हजाम, रुस्तम सोहराब, ऑमरेड का कोट, कंपनी उस्ताद, कहां गए मेरे उगना, हीरा डोम, घासीराम कोतवाल, बड़ा नाटक कौन, नंदी पाठ, नीलकंठ निराला, अम्बापाली, पार्टी, परिकथा, गबर किशोर, थ्री पेनी ओपेरा, माटी की गाड़ी, मालविका अग्निमित्रम, समझौता, ठुमरी, आषाढ़ का एक दिन, राहुल, डेढ़ इंच ऊपर, दास्ताने हब्बा, अंधायुग, हर सिंगार, उत्तर प्रियदर्शी, आनंद रघुनंदन, अनेकों नाटकों का कम से कम 250 से अधिक नाटक रहेंगे जिनका आपने निर्देशन किया है और जिसकी हजारों प्रस्तुतियां संपूर्ण भारत वर्ष में और विदेशों में हुई है। वर्तमान समय में आदरणीय सर के द्वारा निर्देशित नाटक विदेशिया के लगभग 750 से अधिक शो संपूर्ण भारतवर्ष और विदेशों में हो चुके हैं, जो अपने आप में एक बहुत बड़ा रिकॉर्ड है। आपने भारत के प्रमुख नाट्य समारोह में शिरकत की, निर्देशक के रूप में भाग लिया, जिसमें नंदिकार फेस्टिवल कोलकाता, भारत रंग महोत्सव नई दिल्ली, रंगायन महोत्सव मैसूर, भारत भवन भोपाल, नेहरू सेंटर मुंबई, विश्व भोजपुरी सम्मेलन मुंबई, विवेचना महोत्सव जबलपुर, ड्रामा फेस्टिवल काठमांडू, वीरगंज नेपाल, राष्ट्रीय रंगमंच महोत्सव चंडीगढ़, पृथ्वी थिएटर फेस्टिवल इत्यादि। आपका नाट्य के अलावा फिल्म और टीवी में भी बहुत लंबा अनुभव है। आपने दामुल में प्रकाश झा जी के साथ महत्वपूर्ण और रचनात्मक सहयोग प्रदान किया। 13 एपिसोड सीरियल जिंदगी इस पल, जिंदगी उस पल, दर्द का देहरी, अनमोल मोती आदि के लिए आपने संगीत संयोजन किया। कॉरपोरेट फिल्म सही बात है भैया, सूर्य ग्रहण पर आधारित के लिए दृश्यावली और संगीत दिया। मुसाफिर में एनटीपीसी कॉर्पोरेट फिल्म के लिए संगीत दिया। एनएसडी नई दिल्ली द्वारा आयोजित केतन मेहता के साथ 15 दिनों की गहन रचनात्मक कार्यशाला में आप रहे। ईटीबी चैनल, बिहार चैनल, बाल धमाल और हस्ती के संग मस्ती के लिए आपने निर्देशन किया।
राज्यसभा टीवी पर प्रसारित गुफ्तगू कार्यक्रम में आपकी परिचर्चा अत्यधिक लोकप्रिय हुई, जिसे लाखों लोगों ने देखा। भोजपुरी फिल्म चल तमाशा देखने के लिए भी आपने संगीत दिया। आपको अनेक राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय स्तर के सम्मानों से सम्मानित किया जा चुका है, जिनमें प्रमुख रूप से NSD नई दिल्ली द्वारा 2010 में मनोहर सिंह स्मृति सम्मान, अभिनव रंगमंडल द्वारा 2009 में अभिनव रंग सम्मान, लक्ष्मी महोत्सव वैशाली में 2006 में जगदीश चंद्र माथुर सम्मान से सम्मानित किया गया। संस्कृति मंत्रालय भारत सरकार द्वारा संगीत नाटक अकादमी अवार्ड से भी आपको सम्मानित किया जा चुका है। ऐसे अनगिनत राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय सम्मान आपको प्राप्त हो चुके हैं। रंगमंच के क्षेत्र में बहुत गहरा और बहुत लंबा अनुभव, साथ ही लगातार अभी भी एक सक्रिय रंग कर्म सर कर रहे हैं। मैं संपूर्ण राजा मानसिंह तोमर विश्वविद्यालय, इंद्रवती नाट्य समिति और संस्कार भारती मध्य क्षेत्र के संपूर्ण आयोजक मंडल की तरफ से आपका दिल से स्वागत वंदन अभिनंदन करता हूं और बहुत ही विनम्रता पूर्वक आग्रह करता हूं कि हम सभी को आशीर्वादन प्रदान करें, साथ ही इस महत्वपूर्ण विषय आदिवासी संगीत कलाएं स्वरूप और संभावना विषय पर भी प्रकाश डालें। परम आदरणीय संजय उपाध्याय सर। सर माइक म्यूट कर लीजिए, माइक म्यूट है, अनम्यूट कर लीजिए। बहुत बहुत शुक्रिया हिमांशु, बहुत लंबा चौड़ा परिचय दिया तुमने। जैसा कि राजीव वर्मा जी ने कहा कि कोई जरूरी नहीं था, लेकिन चलो तुम्हारा मन था कि मैं परिचय दूं आपका, और अच्छा लगता है इतना लंबा अनुभव, इतना सारा काम करने के बाद कम से कम परिचय तो हो ही जाना चाहिए, इतना तो जरूरी है। जी गुरु जी, रंगमंच के बहुत सारे युवा हमसे जुड़े हुए हैं देश देशांतर से, और आपके काम को सबने देखा, लेकिन हमारा भी एक फर्ज और दायित्व है आपके काम से, और हम सब भी परिचित हो परम सम्मानित। तो अच्छा लगा, और मेरे ऊपर बहुत बड़ा दायित्व आ गया है कि मैं मुख्य वक्ता के रूप में, मुझे आपने याद किया, इंद्रवती नाट्य समिति और मानसिंह तोमर विश्वविद्यालय और साथ ही संस्कार भारती के संयुक्त तत्वावधान में वनवासी महोत्सव का आयोजन पिछले 4 दिनों से चल रहा है, आज समापन है। और जब पूरे विश्व में या पूरे देश में आदिवासी या वनवासी के बारे में कोई बात नहीं करता, कोई उनकी चर्चा नहीं करता, वो हाशिए पे हैं, वैसी स्थिति में विश्व आदिवासी दिवस मनाया जाना ये बड़ा ही स्वागत योग्य और स्तुत्य प्रयास है, और इसके लिए मैं आप तमाम लोगों का, तमाम आयोजकों को बहुत बहुत शुक्रिया अदा करता हूँ, आभार प्रकट करता हूँ और इसके लिए धन्यवाद भी देता हूँ। जहाँ तक और भी दर्शक दीर्घा में जो लोग उपस्थित हैं, राजीव वर्मा जी और हमारे आदरणीय साहित्य नाहर जी, इनके दो भाई हैं, इनके सारे, इनके पूरे परिवार से मैं परिचित हूँ। संतोष नाहर, राजकुमार नाहर, संगीत नाहर, ये पूरा परिवार संगीत से, इनके पिताजी से भी मैं मिल चुका हूँ और उनके सानिध्य, उनका भी सानिध्य मुझे मिलता रहा है, क्योंकि संगीत का विधिवत मेरा कोई कह सकते हैं प्रशिक्षण नहीं है उस रूप में, जैसे कि दिवाकर प्रभाकर और क्या क्या होता है ना, वैसा कोई प्रशिक्षण नहीं है। तो इसलिए मैं पूरी ऑथोरिटी के साथ संगीत के ऊपर मैं जैसे एकेडमिक तरीके से नाहर जी जिस तरह से बातचीत कर सकते हैं, तो शायद मैं ना कर पाऊँ, लेकिन मेरा अपना अनुभव व्यक्तिगत जीवन में के जितने में जो अनुभव से मैं गुजरा हूँ, जो देखा है, महसूस किया है, उसी के आधार पर मैं बातचीत करूँगा। तो जहाँ तक आदिवासी या वनवासी या लोक संगीत की बात हो, तो ये इस पर बहुत सारी चर्चाएं हो रही होंगी पिछले 3-4 दिनों से, लेकिन मैं अपने अनुभव के आधार पर जो रंग संगीत जिसको हम कहते हैं, उस रंग संगीत पर ही हम थोड़ा फोकस करेंगे। और एक बात शुरू करने के पहले मुझे एक बात याद आ गई, पिछले 4-5 दिन पहले मैंने एक
किसी चैनल पे, सोशल मीडिया पे, डिजिटल चैनल पे एक इंटरव्यू देख रहा था। एक एंकर था, वो तीन चार बच्चे थे, तीन बच्चियां थी गांव की, उनसे वो पूछ रहा था कि गांव के बच्चे थे, तो बच्चों ने कहा कि बिलाई बिलाई बिलाई। तो उसके बाद फिर कहा कि ये डीओजी डॉग डॉग मतलब, बोलता है कि कुकुर कुकुर कुकुर। फिर पूछता है कि रैट मतलब, तो बोलता है कि चूहिया चूहिया चूहिया। तो वो उसको करेक्ट कर रहा है जो एंकर था कि अरे डॉग मतलब कुकुर नहीं होता है, कुत्ता होता है, और रैट का चूहिया नहीं चूहा है। और फिर उसके बाद कैट कैट मतलब बिलाई बिलाई नहीं है, बिल्ली है। तो उसके बाद फिर उसने अपना कंक्लूजन दिया बतौर एंकर कि देखिए कितना हम पिछड़े हुए लोग हैं, कितने पिछड़े हुए लोग हैं, पूरा समाज है। हमारे बच्चे डॉग मतलब कुत्ता नहीं जानता है, वो कुकुर बोल रहा है, तो बिलैया बोल रहा है, तो चूहिया बोल रहा है, मूस मूस नहीं मतलब इसका माउस मूस बोल रहा है, मूसक जो जिसको हम बोलते हैं। तो ये कितना पिछड़ा हुआ हमारा समाज है। तो हमारा जो मेरा ये कहने शुरुआत करने के भूमिका देने के पीछे की जो पृष्ठभूमि है वो ये कि जो कॉलोनियल माइंडसेट है हमारा, जो हम अभी भी उस मानसिकता से ग्रसित हैं, और अपनी जो लोक संस्कृति है, लोक कलाएं हैं, लोक बोलियां हैं, लोक भाषाएं हैं, उनमें जो उसमें जो प्रचलित जो हमारे देशज मुहावरे थे, देशज जो हमारी जो संस्कृति थी, उसको हमने कैसे धीरे 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 उसको चाहे जिस साजिश के तहत कह सकते हैं कि उसको हमने खत्म किया, धीरे धीरे उसको समाप्त करने की कोशिश की, और उसका मजाक उड़ाया जाने लगा, और उसको देहाती कला नाम दिया गया। तो शिष्ट और देहाती दो इस तरह की धारणाएं हमारे समाज में आई, एक तो शिष्ट कला है और एक अशिष्ट कला है। तो अशिष्ट कला में ही ये जितनी लोक संगीत या इस तरह के जितने भी आदिवासी संगीत हैं या संस्कृति है, उसको हमने उस रूप से देखना शुरू किया। और आप देखिए, एक एग्जांपल और मैं देना चाहूँगा कि हमारी जितनी भी बहुत ही पारंपरिक जो चीज़ें थी या हमारी जितनी भी मतलब वैसी कलाएं, वैसा संगीत जो बिल्कुल ही जिसमें अनगढ़ता थी, जिसमें आप कह सकते हैं कि जो एक तरह से अनगढ़ होना या जिसको कह सकते हैं कि अशुद्ध कलाएं, कहा भी गया है कि लोक कलाएं अशुद्ध कला है, तो प्योर नहीं, या रंग संगीत में भी की भाषा में भी हम बात करें तो ये एक अशुद्ध कला है, प्योर कला नहीं है। जैसे शास्त्रीय संगीत जो है वो उसको हम प्योर आर्ट संगीत कहते हैं, और तो इस तरह से ये अप्लाइड आर्ट की तरह इसको हम लेते हैं रंग संगीत को। तो ये देखिए कि जो हमारी जो पारंपरिक जो चीज़ें थी वो कैसे उसको बिगाड़ा गया और बिगड़ता गया कालांतर में आके। तो जैसे ही भारत सरकार ने ऑल इंडिया रेडियो की स्थापना हुई दूरसंचार विभाग के माध्यम से, तो ऑल इंडिया रेडियो ने जितनी भी पारंपरिक जो चीज़ें थी उसको उन्होंने कंपोज करना शुरू किया। दूरदर्शन में कंपोजर एक पद है जो संगीत निर्देशक के रूप में, वो उन पारंपरिक कलाओं को, उन लोक कलाओं को उसने रिकम्पोज करना शुरू किया, और उसमें उसने सारंगी हो या फ्लूट हो या सितार हो या सारंगी और तमाम तरह के इंस्ट्रूमेंट को डाल डाल के उसको उसका जो सोल था, उसका जो उस मतलब कह सकते हैं कि उसकी जो ब्यूटी थी, उसको धीरे 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 उसको कुछ ज़्यादा ही उसमें अलंकृत करके उसको बिगाड़ने की कोशिश की गई, और वो सुगम संगीत का रूप ले लिया एक तरह से कह सकते हैं कि जो हमारी जो लोक कलाएं थी, लोक संगीत था या पारंपरिक जो
अनगढ़ जो संगीत था, जो गांव में किसानों के द्वारा या श्रम गीत जिसको कह सकते हैं, श्रम करते हुए या अलग अलग ऋतुओं को ये इंगित करते हुए, या बारह मासा जो बारह महीने में बारह जो जो ये हैं कलर्स हैं, उन सबों को लेकर जो हमारे यहाँ गायन होते थे, या जितने भी संस्कार गीत हैं जो शादी ब्याह के मौके पे अलग अलग जो अनुष्ठान होते हैं शादी ब्याह के, उन तमाम गीतों को ऑल इंडिया रेडियो ने कंपोज करके, रिकम्पोज करके, उसको अलंकृत करके, और उसको मतलब एक तरह से कहा जा सकता है कि कमर्शियल थोड़ा करके, और उसको पेश किया मार्केट में, और धीरे 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 उसकी जो अपनी जो ब्यूटी थी, अपना जो उसका मर्म था, उसका जो अपना उसकी जो आत्मा थी, तो धीरे धीरे वो समाप्त होती चली गई। और उसके बाद ऑल इंडिया रेडियो के बाद आपने देखा टी सीरीज जो कंपनी थी, उसने लोक संगीत को, भजन को, जितने भी हम इस तरह के की जो चीज़ें थी उसको उसने और ज़्यादा कमर्शियल किया, और गांव-गांव में, गली-गली में उसने संगीत को पहुंचाने की कोशिश की, और उसको और भी ज़्यादा और ऑर्केस्ट्रेशन जा सके। तो किस तरह से बाजार ने हमारे संगीत को, हमारी संस्कृति को, हमारी जो ओरिजिनल जो हमारी मिट्टी थी, खुशबू थी जिसको हम कह सकते हैं, उसको उसको ख़त्म करने की कोशिश की गई। और आज आप देखेंगे कि लोक संगीत को बहुत ही अश्लील तरीके से ये विमर्श चल रहा है, खासकर भोजपुरी, भोजपुरी क्या, भोजपुरी हर लोक भाषाओं में अब संगीत को, इसी लोक संगीत को या जिसकी हम बात करने के लिए बैठे हैं आज, उसको बड़ा ही अश्लील बनाने की कोशिश की जा रही है और हो गया है। तो किस तरह से बाजार अब जो है वो हमारे लोक संस्कृति पे ये रहा, तो मेरा ये कहना है कि मैंने जो नाटकों में ये जो मैंने महसूस किया, इस पृष्ठभूमि के तौर पे इस बात को कहना, मैंने कहा रंग संगीत को लेकर, चूंकि मैं जब बचपन में मेरी माँ संस्कार गीत गाती थी और उनसे गाने सुन सुन के मैं बड़ा हुआ, पिताजी भी लोक संगीतकार थे लेकिन वो थोड़ा उसको परिष्कृत कर देते थे, मेरी माँ जो गाती थी उसको परिष्कृत कर देते थे, और थोड़ा उसको परिष्कृत करके एक सेमी क्लासिक या एक तरह से कहा जाए कि विस्तार कर रहे करते थे। तो ये सब बचपन से मुझे मिला, और जैसे ही मैं दादी हमारी, तो दादी माँ जो थी वो मुहावरे बोलियाँ, जो बोलियों में प्रचलित जो मुहावरे होते थे, बुझवल होते थे, इन सबों को मैं बचपन से सुनता रहा, और गाँव में भी मैंने काफ़ी समय व्यतीत किया, तो गाँव की जो मिट्टी है, हवा पानी, वहाँ का पर्यावरण, गाँव का जो खेत खलिहान, वहाँ का मतलब जल जीवन, हरियाली, इन तमाम चीज़ों, लोक गीत गाता था मैं, तो लोक गीत चूँकि घर से ही मिला था, और इसके बाद मैंने अपने आप जब थिएटर में आया तो उसको मैंने एक तरह से कहा जा सकता है कि यही मेरे लिए टेक ऑफ पॉइंट बना, लोक संगीत थी मेरे नाटकों में, आपने देखा होगा कि वही ज़्यादातर मेरे मतलब एक तरह से कहा जा खाद पानी का काम किया लोक संगीत ने ही, और मैं लगातार अपने नाटकों में प्रयोग करता रहता हूँ उसी को लेकर। तो मेरे लिए रंग संगीत जो है वो सिर्फ एक गाना गा देना या गाना कंपोज कर लेना, या लोक संगीत कहीं का उठा लेना, या कहीं का ट्राइबल म्यूजिक ले लेना, अलग अलग जो जो इलाके हैं वहाँ के जो ट्राइबल्स हैं उनके फॉर्म को उठा लेना और उसको कंपोज करके उसको गा देना, या हूबहू उसको इमिटेट करना अपने नाटकों में, ये मैंने कम किया है। मेरी कोशिश ये रहती है कि उस संगीत को लेकर और उसको नाटक के पॉइंट ऑफ व्यू से जो प्रयोजन मूलक हो, जिसको कहते हैं कि नाटक में के पर्पस को सॉल्व करे, इस तरह से मैं संगीत का इस्तेमाल, उस तरह के संगीत का इस्तेमाल अपने नाटकों में करता हूँ। लेकिन मुख्य रूप से जो रंग संगीत है वो
ध्वनियों का खेल है। मैं जैसे कहा, नाहर जी ने कहा कि वो स्वर सारे गम पद निशा ये जो है और उसके अलग अलग रंग हैं हर स्वर के, उसी तरह से लोक संगीत में या ट्राइबल म्यूजिक में या रंग संगीत जिसको कह सकते हैं, वो तो मुख्य रूप से वो ट्राइबल म्यूजिक के बहुत ही करीब है, लोक संगीत के बहुत ही करीब होता है। कारंती जी को ही का ही एग्जाम्पल ले लीजिए, कारंती जी ने ज़्यादातर जो उनके जो संगीत उन्होंने जो रचे हैं वो लोक संगीत के बहुत ही नज़दीक रहा है और या ट्राइबल म्यूजिक के बहुत नज़दीक रहा है, या हबीब तनवीर के नाटकों में भी आपने देखा होगा कि किस तरह से नाचा का प्रयोग उन्होंने किया और उसी संगीत को लेकर वो आगे बढ़ते गए और उसको उसका विस्तार भी किया अपने नाटकों में। तो मैं जितनी भी आदिवासी इस तरह की जो कलाएं हैं उसमें वो मैं ध्वनियों पर मैं मुझे लगता है कि वो ज़्यादा उसका आलोक चटर्जी साहब, आलोक भाई को नमस्ते दिख गए, तो वो ध्वनियाँ जो हैं उन ध्वनियों का खेल रहा है। आप देखोगे कि जो हमारे परिवेश में हम इतना रिच हैं, हमारा संगीत इतना, हमारी ध्वनियाँ या हमारा स्वर प्रधान देश रहा है, तो जिसमें कि आप नेचुरल जिसको साउंड कहते हैं, अलग अलग साउंड्स हैं जिसमें कि आप देखोगे ये जो साउंड है जो प्रकृति प्रदत्त साउंड जिसको हम कहते हैं, जो प्रकृति ने जो हमें दिया है, चाहे वो नदी की आवाज़ हो, झरना हो, हवा हो, पानी का कलकल होना या और भी बरसात बारिश होना, ये जो हमारा इन्वायरमेंटल जो साउंड है ये बहुत ही मतलब इस मामले में हम रिच रहे हैं। हर मौसम में अलग अलग तरीके का साउंड हमें सुनने को मिलता है, ध्वनियाँ सुनने को मिलती हैं। ये हमारे आदिवासी या लोक कला के बहुत ही करीब रहा है और आदिवासी जो संगीत है इन ध्वनियों से बहुत ही प्रभावित होकर और वो उसको अपने मतलब आदिवासी कला जो संगीत है या लोक संगीत है इसका कोई कंपोजर नहीं होता है, वो अंदर से स्वतः स्फूर्त वो ध्वनियों को सुनकर और वो जो आवाज़ें निकलती हैं या जो गाना खुश हर्षोल्लास मनाते हुए और जो जो ध्वनि निकलती है या जो शब्द फूटते हैं उनके मुंह से, तो वही एक तरह से कहा जा सकता है कि हमारी जो हमारे जो वातावरण में, हमारे नेचर में, हमारी प्रकृति प्रदत्त जितनी भी आवाज़ें हैं वो उन आवाज़ों आपने महसूस किया होगा कि वो जो समाज है जो जंगल में रहता है, नदी किनारे रहता है, पहाड़ों पर रहता है, तो वो प्रकृति के बहुत ही नज़दीक होता है, उन आवाज़ों को ग्रहण करता है, उसको महसूस करता है, उन आवाज़ों की जो भाषा है, ध्वनियों की जो भाषा है वो कुछ कहती है, उसको आदिवासी जो समाज है या वो समाज जो हमारे जो लोक समाज है उसको समझता है, उस भाषा को समझता है और उस भाषा को समझकर तो तब उसके मन में एक उद्गार आता है और तब वो उससे जो आवाज़ें निकलती हैं या जो गाना निकलता है वो लोक संगीत या लोक जिसको कह सकते हैं कि जिसका कोई कंपोजर नहीं होता है वो स्पॉन्टेनियस निकलता है। आप चूँकि वक्त मौसम को देखते हुए और आवाज़ों को देखते हुए, तो मैं जनजातीय जो कलाएं हैं या खासकर संगीत की कला है वो ध्वनियों पर बहुत ज़्यादा बेस्ड है। उसी प्रकार से आप देखेंगे कि जो साउंड है जानवरों का, इतने तरीके का वेरिएशन है हमारे साउंड को लेकर, ध्वनियों को लेकर, जानवरों की आवाज़ें, इतने प्रकार के जानवर हैं जो जंगल में। सॉरी सर, हाँ सर, मैं एक मिनट टोकना, आवाज आ रही है सभी को? जी आ रही है, बिल्कुल आ रही है। सर आपको भी आ रही है आवाज? सर भी जुड़े हुए हैं, एक्चुअली उनको शायद सुनाई नहीं दे रहा था। नहीं आवाज सही नहीं आ रही है। जी क्षमा चाहता हूँ सर, दोबारा आ रही है आवाज आ रही है। तो मैं ये कह रहा था, मेरी
स्क्रीन पे मेरा पिक्चर ले आइए हिमांशु जी, मैं बहुत छोटे में दिख रहा हूँ। जी जी जी, मैं शिवा, क्योंकि अपने चेहरे को देखकर जी सर नहीं नहीं मैं, सर का आदेश ये है कि बड़ी स्क्रीन पर कर दीजिए, बाकी सब छोटे में हो जाएंगे वो, क्योंकि आप होस्ट कर रहे हैं तो वहां से हो सकता है। स्पीकर के उस पर पॉइंट पे क्लिक कर दीजिए। कोई बात नहीं, अगर नहीं आता है तो कोई दिक्कत नहीं है, मैं छोटे में ही स्पीकर में स्पीकर में सर आप पूरे में दिखाई दे रहे हैं। सर पूरे में दिखाई दे रहे हैं? हाँ आप पूरे में दिखाई दे रहे हैं, लेकिन मैं नहीं दिखाई दे रहा हूँ। आवाज ही तो है आपका। बिल्कुल बिल्कुल, मैं वैसे भी एक कोने में रहना पसंद करता हूँ और अच्छा लग रहा है जी। तो मैं ये कह रहा था कि ये जो जितने भी लोग कलाएं हैं, जो स्वतः स्फूर्त जो निकली हुई आवाजें होती हैं, जो प्रकृति से जो टकराती, उनकी आवाजें जो टकराती है, जो जैसे झरने की आवाज, बादल की आवाज, बिजली गरजने की आवाज, तो इन ये जितने भी साउंड्स हैं जो प्रकृति ने हमें दिया है, जिसको लेकर हम बहुत रिच हैं, हर मौसम में अलग अलग तरीके का साउंड जो हमें दिया है प्रकृति ने, इन आवाजों को महसूस करना, उनकी भाषा को समझना, वो क्या बोल रहा है, कि उस आवाज की क्या मतलब, वो क्या कह रहा है, इसको आदिवासी समाज समझता था। और उसको उसके बाद उसको एक तरह से कहा जाता रिस्पॉन्ड करना उन आवाजों को सुनकर, और रिस्पॉन्ड करने का अर्थ हुआ कि बोलकर ही वो रिस्पॉन्ड करेगा, जो कि एक गायन के रूप में, गायकी के रूप में वो प्रस्फुटित होकर हमारे समक्ष आता था, जिसका कोई कंपोजर नहीं होता था। और सामूहिकता में उनका जो ये है कि लोक संगीत या आदिवासी संगीत या वनवासी संगीत, वो बिल्कुल ही सामूहिकता को संप्रेष, सामूहिकता में के साथ ही वो उल्लास व्यक्त करना, खुशी व्यक्त करना, या अगर कुछ ऐसे भी अवसर आते हैं जहाँ पे उनको उदास होना है या गमगीन होना है, तो उस वो भी एक सामूहिकता में ही आकर उसको एक तरह से संप्रेषित करना, ये सब। तो ये जो ध्वनियाँ हैं, उन ध्वनियों के साथ उनका बहुत ही रहा है। उसी प्रकार से आप देखेंगे जंगलों में या और भी जानवरों की आवाज़ें बहुत आती हैं, तरह तरह के जानवर उनकी आवाज़ों को सुनकर और उस पर वो रिएक्ट करते थे, उसको रिस्पॉन्ड करते करना, और उसमें से जो भी संगीत जो है वहाँ भी एक तरह से स्रोत के रूप में, हमारे रंग संगीत का आप कह सकते हैं कि वो हमारा स्रोत है, एक तरह से वो कच्चा माल है जहाँ से हम संगीत हमें मिलता है। उन जानवरों की आवाज़ें, तरह तरह जितने वैरायटी ऑफ ये जानवर हमारे बीच में हैं, और उन आवाज़ों को सुनकर वहाँ से भी उनकी टोनल क्वालिटी, सब जितने भी जानवर हैं सबकी अलग अलग टोनल क्वालिटी, जिसको कहते हैं टिम्बर क्वालिटी, सबकी अलग अलग होती है, और उससे भी हम उसको, उसकी भाषा को सुनते हैं। आज भी हम जानवरों से बात करते हैं, बहुत सारे ऐसे जानवर हैं जो पालतू जानवर भी हैं, घर में हम पालते हैं, और उसकी आवाज़ को हम सुनते हैं और उसके बाद उस पर रिस्पॉन्ड करते हैं, और जानवर भी हमारी भाषा को समझने लगता है और सवाल जवाब देने लगता है। तो ये आदिवासी कलाओं में, आदिवासी लोक संस्कृति में में जानवरों की आवाज़ों के साथ किस तरह से रिस्पॉन्ड करना उसको और उस पर अभिव्यक्त करना, तो यह भी एक उनका ये रहा है। पक्षी, जितने भी तरीके के जो पक्षी हैं आप देखेंगे, पक्षियों के की बोली कितनी वैरायटी है पक्षियों की, उन पक्षियों की आवाज़ों को सुन सुन के और उस पर उनके साथ एक संबंध बनाना, एक आपस में साक्षात्कार करना, आपस में एक संवाद स्थापित करना, ये मुख्य रूप से उस समाज का ये रहा है। और उससे वो, और जहाँ तक अलग अलग रीतियों की बात बहुत सारे लोगों ने कही होंगी, सामूहिकता में इस तरह से वो व्यक्त करते हैं, अपनी खुशी व्यक्त करते हैं, नाचते हैं, उछलते हैं, कूदते हैं, डांस करते हैं, गाते हैं, जब धान की रोपनी होती है उस वक्त का गाना अलग है, जब धान की कटाई होती है उसका अलग होता है, गेहूँ जब काटते हैं उस वक्त का अलग है, तो अलग अलग
मौसम में अलग अलग तरीके की भावाभ्यक्ति है और उसको अभिव्यक्त करते हैं। और तो ये जो ध्वनियाँ हैं ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट है रंग संगीत के लिए भी, ये हमारे लिए कच्चा माल है, एक स्रोत की तरह काम करता है। उसी प्रकार से आप देखेंगे कि क्रिएटेड इफेक्ट्स बहुत सारे साउंड्स क्रिएट जो किए जाते हैं वो तो बहुत सारे हैं जो आदमी मनुष्य द्वारा क्रिएट किया हुआ साउंड, जैसे हम लोग जैसे जम्हाई लेते हैं, खांसते हैं, छींकते हैं, तो या जम्हाई लेते हैं, तरह तरह की आवाज़ें हम निकालते हैं आम जीवन में, उन आवाज़ों वह भी एक तरह से हमारा एक संगीत है। अगर उसको संगीत के रूप में अगर उसको देखा जाए तो अगर उसको महसूस किया जाए तो हमारे लिए एक स्रोत की तरह काम करता है और रंग संगीत बहुत ही है नेचर के, रंग संगीत बहुत ही नज़दीक है जो लोक जो कलाएं हैं उसके, रंग संगीत वो जो आदिवासी जो कलाएं हैं उस बहुत ही नज़दीक है क्योंकि नेचर से आवाजें हैं वो आवाज़ हमारे लिए हो जाता है, वो एक तरह से भाषा का काम करता है और वही हम मैंने जो महसूस किया है अपने रंग संगीत के जीवन में। उसके बाद बहुत सारी और भी मतलब ध्वनियों के ऊपर जो काम हुआ है उस ध्वनियों को लेकर बहुत ही रिच है कि हम कितने प्रकार की आवाज़ें हैं। आप देखो इन्वायरमेंट ये एम्बियंस संगीत तरह तरह के एम्बियंस हैं, आप देखोगे जैसे कि बाजार में चले जाते हैं, सब्जी मंडी में आप जाइए वहाँ का एम्बियंस अलग है, आप वही किसी मछली बाजार में चले जाइए वहाँ का एम्बियंस अलग है, आप किसी मंदिर में चले जाइए वहाँ का जो एम्बियंस म्यूजिक है उसको एम्बियंस म्यूजिक या ध्वनि जिसकी जो भी आप मान चले वो अलग है, गुरुद्वारे का अलग है। तो इस तरह से जितने भी तरह तरह के रेलवे स्टेशन पे आप चले जाइए वहाँ का जो एम्बियंस है, या आप चले जाएं ये बस स्टैंड चले जाएं तो वहाँ का जो एम्बियंस म्यूजिक है, रोड पे आप चले जाएं तो तरह तरह के ये जो हमारे वातावरण ने जो में जो संगीत है तो ये बड़ा ही इम्पोर्टेंट है हमारे रंग संगीत के लिए और वो हमारे लिए एक तरह से रिसोर्स का काम करता है, स्रोत का काम करता है और इसको लेकर हम संगीत की अवधारणा संगीत बनाने का काम करते हैं। हमारा सारे गम पद निशा यही है रंग संगीत का, जिसमें कि हम ध्वनियों की तलाश करते हैं, अलग अलग तरीके की जो ध्वनियाँ हमारे समाज के अंदर उपलब्ध हैं जिसको हम अक्सर सुनते हैं लेकिन सचमुच हम सुन नहीं पाते हैं और हम सुनकर उसको अनभिज्ञ होते हैं, या वो जो भाषा है जो ध्वनियों की जो भाषा है ध्वनियों का जो लैंग्वेज है वो कुछ कहता है, उन आवाज़ों को सुनना और वो उस पर रिस्पॉन्ड करना उसको कि ये है क्या, आखिर ये जो आवाज़ आ रही है वो आवाज़ है क्या। अभी भी कुछ ऐसी आवाज़ जिसकी तलाश कान को हमेशा मेरा कान अलर्ट रहता है कि कोई ऐसी आवाज़ आए जो बिल्कुल ही नई आवाज़ है और वो आवाज़ है क्या, वो कह क्या रही है, उसकी भाषा क्या है, वो क्या कहना चाहती है। तो इन आवाज़ों को खोजना, ध्वनियों को खोजना, स्वरों को खोजना, ये संगीत के लिए हमारे लिए इम्पोर्टेंट, एक कंपोजर के लिए भी एक इम्पोर्टेंट ये एस्पेक्ट है। दूसरा आप एम्बियंस म्यूजिक की तरफ हम गए, फिर उसके बाद आप अभी के दौर में, अब तो बात हो रही थी लोक संगीत पे लेकिन हम रंग संगीत भी साथ लेकर चल रहे हैं कि जितने भी अभी जो टेक्निकल साउंड हैं या इंडस्ट्रियल साउंड्स जिनको आप कह सकते हैं, जो हमारे पूरे समाज में तरह तरह की आवाज़ें हैं, इंडस्ट्रियल रेल की आवाज़, ट्रेन की आवाज़, मोटर की आवाज़, स्कूटर की आवाज़, घंटी, ये वो, तो बहुत सारे इस तरह के, तो इन आवाज़ों का भी अपना एक महत्व है रंगमंच में और इन आवाज़ों से भी हम संगीत क्रिएट करते हैं और इन ध्वनियों से ये जो इंडस्ट्रियल साउंड्स हैं जो मशीनरी जो है तरह तरह के मशीन से निकली हुई जो आवाज़ें हैं उनसे भी हम
उनकी भी आवाज, वह भी एक भाषा है, वह भी कुछ बोलता है। अगर एक कोई व्यक्ति लोहे पे, बहुत बड़े लोहे पे और हथौड़ा से पीट रहा है, ठन ठन की जो आवाज आती है, वो जो आवाज है वह भी कुछ कहता है, उसकी भी एक भाषा है, वह भी कुछ आप सुनेंगे तो आप एक अपना एक म्यूजिक आपके मन में आएगा कि ये क्या कह रहा है, या क्या कह, या क्या आप कल्पनाशीलता का भी सहारा लेते हैं कभी कभी कि शायद इस ध्वनि की ये आवाज़ है, ये कहना चाह रहा है। तो ये जो ध्वनियों का खेल है, आप देखोगे सामूहिकता में, जो सामूहिक जो क्वायर है जिसको हम कहते हैं कोरस, जैसे बच्चे जब खेलते हैं प्लेग्राउंड में देखेंगे, उस वक्त की जो आवाज़ें हैं वो सम, उन आवाज़ों को आप सुनिए और सुनकर और आप देखिए कि क्या वो कह रहा है। सामूहिक रूप से जो ध्वनि निकल रही है बच्चों के खेल की, वो क्या उसमें क्या कहना चाह रहा है, वो पूरा स्वर जब आप इकट्ठा सुनेंगे एक तरह से कोलाज के तरह से जब उसको सुनकर, और तो वो भी एक नए तरीके का एहसास आपको कराएगा, संगीत का एहसास कराएगा। आप फुटबॉल के, आप देखेंगे फुटबॉल ग्राउंड में जब फुटबॉल मैच हो रहा होता है तो पूरे स्टेडियम में एक खास तरह का एक क्वायर लगता है कि संगीत गाना हो रहा है, पूरे सामूहिक तौर पर हजारों की संख्या में लोग एक साथ गा रहे हैं। तो वो जब एक साथ होकर जब जो ध्वनि आती है उसको आप सुनेंगे तो एक संगीत और एक बड़ा ही उसमें एक भाषा, एक संगीत की भाषा आपको दिखाई देगी, सुनाई देगी। तो इस तरह से सामूहिकता में भी जो संगीत है, सामूहिक रूप से किए गए हर वो कार्य जहाँ समूह में, जिसमें सामूहिक अभिव्यक्ति होती है, आप बच्चे जब स्कूल जा रहे होते हैं और स्कूल बस से उतरेंगे और जैसे ही स्कूल के अंदर प्रवेश करते हैं, भीड़ के साथ जब बच्चे वो शोरगुल करते हुए, वो जो आवाज़ है उसको आप सुनिए। और जब बच्चे स्कूल से वापस लौटते हैं और बस में चढ़ने के लिए या हल्ला शोरगुल करते हुए, उन दोनों का अंतर को आप जरा महसूस कीजिए। ये जो ध्वनि है ये हमारे रंग संगीत का, हमारे नाट्य संगीत का एक महत्वपूर्ण, इस तरह का एक तरह के कह सकते हैं कि ये कच्चा माल है। तो एक शो की तरफ हम जाते हैं, बहुत सारे इस तरह के एग्जांपल हम आपको दे सकते हैं कि जहाँ पर जो लोक से जुड़ा हुआ है, ये सारी जो ध्वनियाँ हैं लोक से जुड़ी हुई हैं, और लोक कलाएँ या लोक संगीत जो है या जो ट्राइबल म्यूजिक है, ये एक तरह से आप कह सकते हैं फाइव एलिमेंट्स जो हमारे हैं, वो क्षितिजल पावक गगन समीरा, उसके बहुत ही करीब है। और वही, और ये आप देखोगे जल जहाँ होगा, जहाँ हरियाली होगी, जहाँ पे और दरअसल पेड़ पौधे जितने भी तरह के वनस्पतियाँ हैं, इन सबों की पूजा होती है और एक रिचुअल की तरह है वो, ट्राइबल आर्ट जो है संगीत है, वो रिचुअल की तरह उसको लेते हैं और उसको पूजते हैं। और जितने ये क्षितिजल पावगन समीरा, उनके लिए एक तरह से कहा जा सकता है कि वो आराध्य देव की तरह उनके लिए हैं, भगवान की तरह हैं, उसको पूजते हैं। प्रकृति की पूजा ही, प्रकृति उनके लिए भगवान है, देवता है, उसको पूजते हैं। और अलग अलग अनुष्ठान हैं, उन अनुष्ठानों को बड़े ही मतलब इनोसेंसी के साथ, बड़े ही सादगी के साथ और बहुत ही खुश होकर, आह्लादित होकर, बगैर किसी, आप देखोगे लोक कलाओं में कोई एरोगेंसी नहीं होती है, बहुत ही सिंपल तरीके से वो गाते हैं और व्यक्त करते हैं अपनी बात को। और सामूहिकता में भी या अकेले भी अगर कुछ उनको बजाना है तो बहुत ही सिंपल तरीके से वो अपनी बात को कहते हैं, बहुत ज़्यादा अलंकरण नहीं है। जैसे शास्त्रीय संगीत में आप देखेंगे कि बड़ा ही विस्तार होता है उसका, धीरे 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 उसका क्रिसेंडो बनाते हैं। और तो लोक संगीत में भी है, क्रिसेंडो बनता है, उसका भी शुरुआत होता है मन से, एक तीन अवस्था जो है, स्टार्ट, मिडिल, एंड, जिस तरह से। और तो लोक संगीत में भी है
लेकिन उसमें भी एक तरह से इनोसेंसी होती है, उसमें भी एक तरह से क्या कह सकते हैं कि बगैर किसी बहुत ज़्यादा अलंकरण और इसके उठा पटक के वो करते हैं, क्योंकि ये उनके दैनिक क्रियाकर्म से वो जुड़ा हुआ होता है। लोक संगीत जो है, लोक कलाएं हैं, उनके वो अलग से सीखते नहीं हैं, उसके लिए कोई इंस्टीट्यूट में उनको जाने की आवश्यकता नहीं पड़ती है, वो बल्कि वो खुद ही उसको अनगढ़ तरीके से, और जितनी अनगढ़, यही अनगढ़ता जो है वो ब्यूटी है लोक संगीत की, लोक कला की, और लोक आदिवासी जो ट्राइबल जो फॉर्म है, अलग अलग आप देखेंगे कि वनवासी जो कलाएं हैं उनमें अलग अलग जितने भी उनकी भाषाएं हैं उसके अलग अलग नायक हैं। हर आदिवासी जैसे गुंड हैं या कुकरू हैं मध्य प्रदेश में, या और भी तमाम जितने भी तरह के जातियां जनजातियां हैं, उपजातियां हैं, उन सबों के अपने अपने नायक हैं, और हर नायक की वो पूजा करते हैं, और उसको उस अवसर पे भी अलग अलग तरीके से वो उनको याद करते हैं। आप ये भी कह सकते हैं कि लोक कलाएं एक प्रतिरोध की कला के रूप में भी हमारे सामने देखने को मिलता है, कि जैसे अंग्रेजों के खिलाफ भी हमारे आदिवासी भाइयों ने बहुत ही, जिस तरह से जल जंगल जमीन से उनको बेदखल किया गया, जिस तो बहुत सारे लोग विस्थापित हुए, तो उसके प्रतिरोध में प्रतिपक्ष में खड़ा होकर आदिवासी भाइयों ने भी ढेर सारे वो गाने के माध्यम से, अपने कला के माध्यम से, अपने वाद्य यंत्र के माध्यम से, अपना उनका जो भी तीर तरकश है उसके माध्यम से प्रतिरोध किया है, और गायन को और अपनी कला को एक तरह से कहा जा सकता है कि प्रतिरोध की कला, प्रतिशोध की कला, या उनके माध्यम से भी उन्होंने किया। बहुत सारे लोक गीतों में आप देखेंगे कि इस तरह का विरोध के स्वर बड़े हैं, ढेर सारे विरोध के स्वर वाली लोक गीत हैं, लोक गाथाएं हैं, लोक गायन है, जो कि अपने अपने नायकों को की याद में वो मतलब एक तरह से सेलिब्रेट करते हैं और उनका महोत्सव करते हैं, उनकी याद में फेस्टिवल करते हैं और गाना गाते हैं। और जिस तरह से आज आदिवासी कला को हाशिए पे है, एक तरह से कहा जा सकता है कि उपेक्षित हो चुका है, और जिस तरह से बाजार हावी हो चुका है हमारे पूरे इससे, तो वैसी स्थिति में इस तरह की जो लोक कलाएं हैं, लोक संगीत है, हमें फिर वापस की तरफ जाना होगा, अपने रूट्स को पहचानना होगा, अपने मिट्टी अपनी जड़ों की तरफ लौटना होगा। और जिस देशज रंगमंच की बात हम कर रहे हैं, देशज कला को जीवित करने की बात कर रहे हैं, करना होगा। और मेरा ये मानना है कि लोक कलाओं को या जो आदिवासी कलाएं हैं उन सिर्फ उनको जीवित नहीं करना है, उनको पुनर्जीवित ही नहीं करना है, बल्कि उसकी पुनर्व्याख्या होनी चाहिए, फिर से उसको हमें उस पर गहन विचार विमर्श करना चाहिए, और उसको एक तरह से कहा जा सकता है उसका पुनर्पाठ होना चाहिए, कि हम सिर्फ रूपवादी दृष्टि से या कलावादी दृष्टि से अपनी कला को, अपनी लोक कला को, क्या बहुत सुंदर है, क्या खूबसूरत है, क्या सौंदर्य है, क्या ब्यूटी है, क्या इसका ये है, सिर्फ रूपवादी या कलावादी दृष्टिकोण से ही उसको ना देखें, बल्कि उस कला के अंदर जो एक संघर्ष है, संघर्ष को हमें फिर से उसका पुनर्विचार उस पर होना चाहिए, पुनर्व्याख्या होनी चाहिए उस पर, और उसके ऊपर हमें फिर से अपने रूट्स की तरफ लौटना होगा, क्योंकि पूरा का पूरा आप देखेंगे नगर नागरी कला जिसको कहते हैं, नगर नागरी संस्कृति जो है, वो हम एक कंक्रीट में बदलता चला जा रहा है, पर्यावरण खत्म होता चला जा रहा है, पेड़ पौधे नदियां सबको एक तरह से प्रदूषण के शिकार हम हो रहे हैं, और इस ऐसी स्थिति में हमें उसको अपने पर्यावरण को बचाना है। पर्यावरण को बचाएंगे तभी हमारी लोक संस्कृति, लोक कलाएं बचेंगी, लोक जीवन बचेगा, और हम को वापस, मैं एक तरह से मेरा प्रस्ताव है कि हम रंगकर्मियों को अपनी नागरी कला, जो हम लोग नागरी संस्कृति के साथ जी रहे हैं,
ठीक है वो तो है, हमारी तरफ लौटना चाहिए और वहां लौट कर और फिर से उन खलिहानों को देखना चाहिए, फिर से हमें उन खेतों को देखना चाहिए, खेतों को फिर उस मिट्टी को महसूस करना चाहिए, उस हरियाली को महसूस करना चाहिए और वहाँ की जो का जो कंटेंट है लोकल, उस कंटेंट को नए तरीके से उसका पुनर्व्याख्या उसकी होनी चाहिए, उसका पुनर्पाठ होना चाहिए, पुनर एक तरह से का प्रतिष्ठा उसकी मिलनी चाहिए, तभी हम लोक कला को बचा पाएंगे, अपनी आदिवासी जो कलाएं हैं उसको हम बचा पाएंगे। उसके ये अच्छी बात है कि हम आज जब भी कुछ बड़े बड़े महोत्सव होते हैं, सरकारी आयोजन होते हैं, उसमें हम कलाकार आदिवासी कलाकारों को उसका नृत्य करवा देते हैं, उनका गायन करवा देते हैं, झांकियां उनकी निकल जाती हैं उसको दिखा देते हैं और उसके बाद हम खुश हो जाते हैं कि हमने लोक कला की सेवा कर ली या आदिवासी कला को लेकर हम काफ़ी प्रतिबद्ध हैं, जबकि ऐसा है नहीं, बल्कि इनको एक बहुत ही रोमांटिक तरीके से नज़रिए से नहीं देखना चाहिए, बल्कि हमें इनके पूरे इनका जो उनकी जो जीवन प्रणाली है, जब तक उस पूरे हम तो मध्य प्रदेश के ढेर सारे नीरज कुंदेर के माध्यम से भी बघेलखंड के पूरे इलाके में आदिवासी इलाके में जा जाकर उनके साथ रहना, उनके साथ खाना, उनका उनके पूरे जीवन प्रणाली को देखना और उनके उनकी जो भाषा है उसको सुनना, उनके साथ खाना और उसके साथ उनका जो वहाँ का जो कंटेंट है उस कंटेंट के साथ उनकी कहानियाँ हैं उन कहानियों से गुजरना, ये तमाम अनुभव से मैं लगातार गुजरता रहा हूँ। पिछले 8 साल से मैं जब मध्य प्रदेश नाट्य विद्यालय में था तो मध्य प्रदेश के जितने भी ट्राइबल इलाके हैं, बोलियाँ हैं, उन सारी बोलियों से होते हुए और वहाँ जाकर फिर हम एक नाटक तैयार करते थे उन्हीं के बीच में रहकर और उसका मंचन करते थे और पूरे देश में उसकी चर्चा होती रही, जैसे कि आनंद रघुनंदन और कादंबरी, दो ऐसे प्रोडक्शंस जो मैंने किए। उसके बाद कन्हैया कथा के माध्यम से या और भी लोग, बहुत सारे लोग जुड़ते रहे और हम आदिवासी कलाओं का अध्ययन करते रहे और उनको तो इसको मैंने यही पाया उनके बीच में रहकर कि सिर्फ उनके साथ उनकी उनके शैली को ले लेना, उनके क्राफ्ट को ले लेने से ही काम नहीं चलेगा, बल्कि उनका जो कंटेंट है वो कितना इम्पोर्टेंट है, वो क्या कहना चाह रहे हैं, वो क्या उनका दर्द क्या है, उनका स्ट्रगल माने संकट क्या है जीवन का, उसके बारे में भी हमें पहल करनी होगी और तभी हम जब उनकी रक्षा होगी उनकी तभी उनकी संस्कृति को बचा पाएंगे। और मुझे लगता है कि सिर्फ और सिर्फ वो हमारे लिए क्राफ्ट के वस्तु नहीं है, बल्कि वो हमारे लिए हम उनको हम एक सोल की तरह हमारे हैं, हमें उनको दिल से उनको एक्सेप्ट करने की आवश्यकता है और तभी हम पूरी तरह से उस लोक संस्कृति जो हम एक फैशन की तरह जो हमारी आदत हो गई है कि हमने एक फैशन की तरह हमने लोक कलाओं को या आदिवासी ट्राइब कला को हमने ले लिया, ठीक वैसा ही जैसा कि चेहरे पे मेकअप करते समय रूज लगाते हैं सुंदर होने के दिखने के लिए, जबकि ठीक वैसे ही लोक कलाओं को भी हम उसी तरह से लेने की कोशिश करते हैं, जो कि मुझे नहीं लगता है कि बहुत ही ठीक है। अच्छा तो ये होगा कि हमको उनको एक्सेप्ट करना पड़ेगा और उनकी पूरी संस्कृति को धारण करना होगा, धारण करके और फिर महसूस करना होगा कि सचमुच में इनका स्ट्रगल क्या है, इनका दर्द क्या है और ये क्या कहना चाह रहे हैं और उनके पूरे जब तक उनका रहन सहन, उनकी बोली, उनकी भाषा, उस पर काम नहीं होगा। आज तक आप देखिए शास्त्रीय संगीत को लेकर ढेर सारे यूनिवर्सिटीज हैं पूरे हिंदुस्तान में, लेकिन लोक कला विश्वविद्यालय नाम की कोई चीज़ मैंने तो अभी तक नहीं देखा या आदिवासी लोक कला विश्वविद्यालय, तो ये हमें सामूहिक रूप से पहल करनी चाहिए और अपने सरकार ये इस बात पर एक प्रस्ताव देना चाहिए कि लोक कला विश्वविद्यालय या आदिवासी लोक कला या आदिवासी या वनवासी कला विश्वविद्यालय, जिसमें कि
सिर्फ और सिर्फ लोक कलाओं, पूरे हिंदुस्तान या देश या विदेश के स्तर पर जो लोक कलाएं हैं उन कलाओं का पठन पाठन अध्ययन हो, ट्रेनिंग हो, प्रैक्टिस करें बच्चे और उसके बाद उसका परफॉर्मेंस करें देश में घूम घूम कर, तो एक अलग तरीके का एक वातावरण या माहौल बनेगा और तब हम हमारा रंगमंच भी उतना ही रिच होगा, हमारी लोक संस्कृति भी उतना ही रिच होगी और जितने भी आदिवासी जो फॉर्म है या क्राफ्ट है या शैलियाँ हैं उन शैलियों का भी विकास होगा। तो मुझे लगता है कि इसी नोट पर मैं अपनी बात को समाप्त करना चाहूँगा कि जिस तरह से शास्त्रीय जैसे संगीत है तो क्लासिकल संगीत को लेकर चाहे वो कर्नाटक संगीत हो या ना भारतीय इधर भारतीय संगीत है इसको लेकर एक ढेर सारे यूनिवर्सिटीज कॉलेज विश्वविद्यालय खुले हुए हैं, ट्रेनिंग होती है, हर गली में एक बोर्ड लगा होता है जहाँ पर शास्त्रीय संगीत सिखाया जाता है, लेकिन लोक कलाओं को लेकर अभी तक इस तरह की पहल मैंने नहीं देखी है। अगर ऐसा कुछ होता है तो मुझे लगता है कि बहुत बड़ा काम होगा लोक संस्कृति को लेकर, आदिवासी वनवासी कला को लेकर, संगीत को लेकर, या संगीत ही नहीं बल्कि उनके और भी चित्र कला को लेकर, उनके डांस को फॉर्म को लेकर, उनके और भी जितने भी उनका उनके पास जो जो डिवाइसेस हैं उसको लेकर उसकी पढ़ाई होनी चाहिए और तब जाकर हम एक मुकम्मल संस्कृति राष्ट्र की कल्पना कर सकते हैं जिसमें कि हम आदिवासी लोक कला और शास्त्रीय संगीत इन दोनों को समान भाव से हमें देखना पड़ेगा और तब जाकर हम एक बैलेंस सांस्कृतिक नीति की बात हम कर सकते हैं। इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपनी बात समाप्त करूंगा और कुछ कोई प्रश्न है तो आप कर सकते हैं। जो जो कुछ भी मैंने कहा अपने अनुभव से कहा है, अपने कार्यों के आधार पे, कहीं से इसकी कोई पढ़ाई नहीं हुई, ना ही कोई शिक्षा मुझे मिली कि इसको मैं एकेडमिक तरीके से कुछ बात करने की कोशिश की, लेकिन अपने अनुभव के आधार पर मैंने इतनी बातें आपके सामने रखने की कोशिश की है। तो हिमांशु जी कोई प्रश्न है तो बताइए। बिल्कुल बिल्कुल सर, हमारा कार्यक्रम का जो अगला चरण है वही यही है, लेकिन मैं आपकी बात में एक छोटी सी बात जोड़ना चाह रहा हूँ। भले ही आपने एकेडमिक पढ़ाई नहीं की, आप नहीं मान रहे हैं, लेकिन आप हम सब के अपने आप में एक संस्थान है और रंगमंच के संस्थान है। तो निश्चित ही मैं आप सभी जो जितने दर्शक वृंद जुड़े हुए हैं उनसे अनुरोध करता हूँ कि आपके मन में कोई भी जिज्ञासाएं हो, सवाल हो, तो आदरणीय सर से पूछिए। शायद प्रदीप दीक्षित भाई साहब पूछना चाह रहे हैं ना। हाँ नमस्कार संजय भाई साहब, नमस्कार। मैं ग्वालियर से दीक्षित जी। आपने आखिरी में जो बात कही कि मैंने कोई पढ़ाई नहीं की और उसके बाद में उससे थोड़ा सा पहले जो है एक विश्वविद्यालय की बात चल रही थी, हालांकि विश्वविद्यालय होगा कोई भी अध्ययन का कोई माध्यम होगा तो निश्चित रूप से हमारी आदिवासी परंपराओं को लोक संगीत को आगे बढ़ाने का मौका जरूर मिलेगा। लेकिन इसके साथ साथ ये मानना है कि लोक शैली परंपराएं वंशानुगत रूप से आगे बढ़ती हैं। जो अपने परिवार में बैठ कर के जो बच्चा सीखता है निश्चित रूप से वही उसके जीवन में आगे बढ़ता है और ये ज़्यादा अच्छा है कि अगर हम इन परंपराओं को जीवित रखने के लिए इनसे जुड़े हुए लोगों को सुविधाएँ दें, उनको उन परंपराओं के साथ में जीने के ज्यादा से ज्यादा अवसर दें तो ये मेरे ख्याल से ज्यादा लाभदायक होगा। इस विषय में क्या आपका विचार है? मैं आपकी बात से एग्री करता हूँ, लेकिन वो जो वंशानुगत या जो पारंपरिक रूप से जो कलाकार अपने स्वतः प्रशिक्षित होकर और इस दिशा में काम कर रहे हैं उनका प्रशिक्षण भी जरूरी है, उनका उनको भी एक तरह से कहा जा सकता संरक्षण देने की जरूरत है, वो तो है ही, लेकिन और वो परंपरा से एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में उसका ट्रांसफर भी होना चाहिए। मतलब तो एक तरह से कहा जा सकता है कि वो लोग जो लोक कलाओं पर शोध करना चाह रहे हैं, लोक कला की जानकारी इकट्ठा करना चाहिए या सीखना चाह रहे हैं कोई फॉर्म, तो उनके लिए एक यूनिवर्सिटी या विश्वविद्यालय की आवश्यकता
की बात मैंने कही थी, जो लोग वंशानुगत जो जिनका जिनकी फैमिली ट्रेडिशन में वो चला आ रहा है वो तो ठीक है कि उनको संरक्षित किया जाना चाहिए और उसको बहुत ही ज़रूरी है उनका संरक्षण, उनका देखभाल, उनका प्रमोशन, उनको उनको एक्सपोजर मिलना चाहिए, ये सब होना चाहिए। अब तक तो हो जाना चाहिए था जो नहीं हुआ दुर्भाग्यवश। लेकिन वो लोग जो सीखना चाहते हैं, पर्टिकुलर किसी फॉर्म को सीखना चाहते हैं, तो उस फॉर्म को सीखने के लिए उनको एक जगह मिले और वो सीखें। पांडवानी में जो करती हैं वो किजन भाई जी, तो पांडवानी उनसे सीखने के लिए ढेर सारे शहरी मेरी नज़र में 3-4 लड़कियां ऐसी हैं जो राष्ट्रीय नाट्य विद्यालय से पास होकर निकली और तीजन भाई के पास गई और बकायदा उनसे सीखा और उसको नाटक में इस्तेमाल किया। तो अगर ये जरूरी नहीं है कि तीजन भाई के साथ ही वो पांडवानी खत्म हो जाए या उनकी परंपरा में जो लोग हैं सिर्फ वही उसको लेकर आगे बढ़ें, और भी लोग उसको सीख सकते हैं और उसको लेकर आगे बढ़ सकते हैं। इसके लिए एक इंस्टीट्यूशन की आवश्यकता है, ये मेरा कहने का अर्थ था। वैसे मैं आपकी बात से सहमत हूँ कि वो लोग जो हैं जो जिस परिवार से आते हैं, जो खानदानी जो लोग हैं, उनको संरक्षण मिलना चाहिए और उनको उनका प्रमोशन भी होना चाहिए। बहुत बहुत धन्यवाद आदरणीय प्रदीप दीक्षित भाई साहब, बहुत ही सार्थक प्रश्न किया। अब मैं अन्य महानुभाव से अनुरोध करता हूँ कि आपके मन में भी अगर कोई सवाल हो तो कृपया पूछें, जिससे फिर मैं कार्यक्रम के जी पिलाली सरकार जी हैं वेस्ट बंगाल से, पूछिए प्लीज। जी नमस्कार सर, मेरा नाम पियाली सरकार है। पियाली सरकार, क्षमा चाहते हैं, कोई बात नहीं। सर शुरू में हमें जो जानकारी मिली ऑल इंडिया रेडियो और दूरदर्शन के जो भूमिकाएं थी और उन लोगों के जो मतलब कार्यक्रम आपने बताया, तो क्या उनका ऐसा मानना था कि हमारे जो लोक संस्कृति है या बनवासी जो संगीत है, जो कल्चर है, वो सुनने में देखने में उतना अच्छा नहीं है? क्या वो लोग ये मानते हैं इसलिए थोड़ा इंस्ट्रूमेंट का उपयोग किया उसको? जी अगर ऐसा कुछ मत है और ना भी हो तो दूसरा सवाल ये है कि खुद मतलब जिन आदिवासियों की कलाएं वो लोग मतलब कुछ क्या बोले, आप जो बोल रहे थे कि अलंकारिक रूप से प्रेजेंट किया, क्या उनकी तरफ से कोई प्रोटेस्ट या ऐसा कुछ आया था कभी? क्या वो लोग मान गए थे इसे? नहीं नहीं, ऐसा उनकी तरफ से कुछ नहीं है। ये तो एक रंगमंच का विद्यार्थी या संगीत का विद्यार्थी होने के नाते मैंने ये महसूस किया है कि वो जो उनकी जो प्यूरिटी थी उस फॉर्म की, जो संगीत की, वो प्यूरिटी कैसे धीरे 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 खत्म होने लगी और बाजार उस पे हावी होने लगा और ज्यादा रोचक तरीके से और उसको मनोरंजक तरीके से उसको पेश करके और लोगों के सामने रखा गया और उसमें ढेर सारे इंस्ट्रूमेंट वगैरह डाल के और उसको बहुत ही रोचक बनाकर प्रस्तुत करने की कोशिश की गई। इससे क्या हुआ कि वो जो अनगढ़ता थी, वो जो उसकी जो ब्यूटी थी या उसका कह सकते हैं कि एसेंस था, आत्मा जो थी, सोल था, वो धीरे 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 कैसे वो बाजार में तब्दील होता चला गया और फिर धीरे से फिर वो टी सीरीज का आना और फिर उसने उसको बाजार पूरी तरह से बाजारी संस्कृति में उसको परिवर्तित कर दिया। और तो मेरा ये कहने का अर्थ है कि कोई जानबूझकर नहीं किया जा रहा था बल्कि बाजार के दबाव में किया जा रहा था और आज भी उसी दबाव में आकर हमारी लोक कलाएं जितनी हैं, लोग जो संगीत है वो पूरी तरह से आप देखो कि अब कि वो अश्लीलता की तरफ बढ़ना शुरू कर दिया है और संगीत अब जिस तरह का ऑर्केस्ट्रेशन और म्यूजिक प्रवेश किया है वो सुनकर ही इतना अश्लील और भौड़ा लगता है कि वो कभी कभी तो मन ये होता है कि मैंने सुनना बंद कर दिया है लोक संगीत आजकल जो जिस तरह से बाजार में लोक संगीत जो प्रदर्शन हो रहा है। तो
गांव में कैसे हमारी जो अपना कैसे जल जंगल जमीन से आदिवासियों को हटाकर धीरे से और वहां पे कंक्रीट आ गया, आप उसी तरह से इसको भी देखिए कि हमारे लोक गायन को लोक संस्कृति जो भी आदिवासी जो संगीत था वो धीरे 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 उसको कैसे बाजार में तब्दील कर दिया गया और आज हम इस स्थिति में पहुंचे हुए हैं। हम वापस जब उस संगीत की तरफ लौटते हैं तो उसको हम देहाती या उसको हम ट्राइबल या उसको फोक करके उसका मजाक उड़ाते हैं। मेरा ये कहने का इशारा था। सर इस बात पे एक और बात पूछनी थी, जिस बाजार की बात आप कह रहे हैं कि बाजार की डिमांड है, उसी हिसाब से कुछ ऑर्केस्ट्रा वगैरह उसके साथ जुड़ा गया, किसने रिसर्च किया बाजार क्या चाहता है और मतलब आम इंसान जो है वो लोग रॉ जो ब्यूटी है इस कला का वो एक्सेप्ट करने में मतलब उनको कोई दिक्कत हो रही है या नहीं, ये किसने रिसर्च किया, कैसे ये सिद्धांत उन लोगों ने ले लिया कि ऐसे ऐसे करके हम नहीं ऐसा कोई है नहीं कि किसी कोई किसी व्यक्ति विशेष ने उसको ले लिया, बल्कि अपने यहाँ जब ऑल इंडिया रेडियो आया पहली बार और उसमें वो समाचार भी सुनते थे हम लोग, गाने भी सुनते थे, लोक संगीत भी सुनते थे, तो उन शुरू में तो उस संगीत को ठीक है कि बजाने की कोशिश की गई और एक अच्छा प्रयास था, लेकिन ये एक धीरे से होता चला गया, वो एक कोई जानबूझकर या किसी साजिश के तहत उसको किया गया, ऐसा नहीं होता, उसको सुगम संगीत बना दिया गया। मेरा ये कहने का अर्थ था लोक संगीत को या जो कुछ ये जितने भी हमारी जो पारंपरिक जो चीजें थी तो उनको धीरे से कंपोज करके उसमें थोड़ा सा डाल के म्यूजिक वगैरह डाल के उसको सुगम संगीत की तरफ हम लेकर चले आए, वो सुगम संगीत का रूप ले लिया। सुगम संगीत आप समझती होंगी, लाइट सॉन्ग जिसको कहते हैं, हाँ, तो वो होता गया, कोई जबरदस्ती किसी ने कोई व्यक्ति विशेष ने किया या ऐसा कुछ होता, ऐसा होता नहीं है। मुझे ही अगर कोई लोग गाना कंपोज करने के लिए दिया जाता है तो मैं भी कोशिश करता हूँ कि कोई ट्रेडिशनल चीज को लेकर और उसको थोड़ा सा ट्विस्ट करूँ और उसको, तो मैं करता हूँ इसलिए थिएटर के पॉइंट ऑफ व्यू से, थिएटर की बेहतरी के लिए मैं कुछ कोशिश करता हूँ, उसके पीछे कोई बाजार का दबाव नहीं रहता है कि मुझे बेचना है या मुझे ज्यादा से ज्यादा उसको, इसलिए मेरा ये कहने का अर्थ था कि हमारी जो चीजें थी जो ओरिजिनल उसको सुगम संगीत बनाया गया, बाद में उसको कमर्शियल संगीत की तरफ हम इसको लेकर आज का जो संगीत है वो हो रहा है। ये इस बात की बात है कैसे धीरे से हमारी पूरी मतलब पर्यावरण खत्म हुआ और धीरे 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 हम कंक्रीट में तब्दील हो गए, ठीक वही हाल हमारे संगीत के साथ भी होता चला गया और इतना ऑर्केस्ट्रेशन इतना कुछ जो हमारी जो वो जो बीट कल्चर इतना हावी हो गया, वो जो इमोशन था हमारा जो वो इमोशन धीरे धीरे खत्म होता चला गया, एक तरह मेलोडी मेलोडी का जो कल्चर था मेलोडियस जो हमारा संगीत था वो धीरे धीरे बीट प्रधान होता चला गया, जो सादगी थी वो खत्म होता गया, जो सादगी थी इसके नेचुरल जी मैं बोल रही हूँ जो सादगी थी जो नेचुरल विषय था उसको वो उसमें बीट इतना आ गया, ढिचक 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 इतना इतना ज्यादा वो ऑर्केस्ट्रेशन हो गया, तो वो जो मेलोडी थी वो मेलोडी खत्म हो गया, तो हमारे तो आप समझ सकते हैं कि संगीत किस दिशा में जा रहा है आज का संगीत, और वो सब जो है स्रोत है वो लोक संगीत ही स्रोत है, कहीं से वो और नहीं आ रहा है वो संगीत, वो हमारे ट्राइबल का जो म्यूजिक है वहीं से लेकर वो ले रहे हैं, लेकिन हमारी जो मिठास थी हमारी उसको किस तरह से उसको एक तरह जा सकता है एग्रेसिव और सेंसेशनल बनाकर उसको प्रस्तुत किया जा रहा है, इसकी बात मैं करता हूँ। संजय जी मैं पूछना चाहता हूं कि आपने कहा कि विश्वविद्यालय और इसके शिक्षण संस्थानों लोक संगीत, आपको ज्ञात ही होगा कि पहले हमारे जो संगीतकार फिल्म की बात कर रहा हूं मैं, आपने फिल्म की बात की, फिल्म के जो संगीतकार थे हमारे लोक संगीत को और जो इनकी जो एक परम वो थी
उसको अपनी फिल्में गीत में इस्तेमाल करते थे, जैसे एस डी बर्मन ने बहुत किया है और भी संगीतकारों ने किया है। लेकिन आजकल जो संगीतकार है वो इस संगीत को वो जो बोलते हैं ना आइटम सॉन्ग्स में ज्यादा इस्तेमाल कर रहे हैं, जहां तक मैं समझ रहा हूँ। तो ये विश्वविद्यालय खोलने से कहीं ऐसा स्कूल तरह तरह के स्कूल खोलने से और उनसे सीख के ये कुछ ज्यादा इसका अब वो नहीं होगा जिसको बोलते हैं कि गलत इस्तेमाल? नहीं, विश्वविद्यालय तो शिक्षण और प्रशिक्षण और शिक्षा की स्थली होती है, वहाँ हम तो वही सिखाएंगे उनको, या वो हमारे जैसे और भी एक्सपर्ट होंगे अलग अलग विधा के, अलग अलग शैली के, या उसके जो जानकार होंगे उनको तो वैसी ही शिक्षा मिलेगी ना, वैसा ही संगीत उनको मिलेगा। तो जो जिस प्योरिटी स्टेट में हमारा संगीत था उसको हम ये करेंगे, ठीक है, थोड़ा विस्तार भी होगा, थोड़ा उसका विस्तारित होना भी चाहिए। क्या है कि बोलिए, मैं कह रहा था कि जैसे अभी दीक्षित जी ने कहा कि ये एक परंपरागत संगीत है जो फैमिलीज में इस्तेमाल सिखाया जाता है, लेकिन इसका ज्यादा प्रचार प्रसार होने से इसका वो दुरुपयोग नहीं होगा क्या इसमें फिल्मों में जिस तरह आज इस्तेमाल किया जा रहा है? ऐसा मैं जैसे दुरुस्थिति है मेरी, दुरुपयोग तो वैसे भी हो ही रहा है और नहीं होने से भी हो रहा है, और एक तरह से एक इंस्टीट्यूट हो जाने से ये होगा कि बहुत सारे हमारे आपके जैसे जिज्ञासु लोग हैं जो सीखना चाहते हैं, हो सकता है शास्त्रीय संगीत नहीं सीखना चाहते हैं, और हो सकता है कि वो किसी पर्टिकुलर फॉर्म को सीखना चाहते हैं, जैसे मैंने पांडवानी का एग्जांपल दिया आपको, उसी प्रकार से और ढेर सारे ट्राइबल फॉर्म्स हैं, तो उसको सीखना चाहते हैं, तो उनके लिए फिर वो कोई प्लेटफॉर्म नहीं है ना, या तो उनके यहाँ जाकर सीखें जो लोग, लेकिन वो जो बेचारे हैं, मतलब बेचारा कहना ठीक नहीं है, वो जो लोग हैं जो बड़े इनोसेंट गांव के लोग हैं, खानदानी लोग हैं, पारंपरिक लोग हैं, उनके पास एक सिखाने वो नैसर्गिक टैलेंट है उनके अंदर, लेकिन एक तरह से किसी को सिखाया जाना ये एक अलग टैलेंट होता है किसी आर्ट फॉर्म को, तो वो एक अलग चीज है। तो दुरुपयोग तो बाजार जब तक रहेगा दुरुपयोग होता रहेगा, और इसलिए मुझे लगता है कि उससे डरना नहीं चाहिए हमें, ताकि हम अपनी संस्कृति की रक्षा भी इस तरह के प्रयास से ही हम कर सकते हैं, क्योंकि हम जब तक एक यूनिवर्सिटी एक नहीं हम शुरू करेंगे इन लोक कलाओं का संरक्षण संवर्धन, इसका जब तक हम नहीं करेंगे और उसकी पढ़ाई जब तक नहीं होगी, तब तक हम बहुत ज़्यादा फैल नहीं पाएंगे पूरे, क्योंकि आज की जो पीढ़ी है, नई पीढ़ी है, वो उसको तो सिर्फ हनी सिंह और वगैरह वगैरह जो आजकल का जो सो कॉल्ड जो चल रहा है संगीत, उसी में हमारा पूरा हमारा जो हमारी पूरी पीढ़ी जो है उसके पीछे पागल है। अगर लोक संगीत विश्वविद्यालय होगा, वहाँ पढ़ाइयाँ होंगी, डिग्री दी जाएंगी, वहाँ से बच्चे पढ़ेंगे निकलेंगे, तो शायद उनका इंटरेस्ट बढ़ेगा, दायरा बढ़ेगा, और मुझे लगता है कि ये एक महत्वपूर्ण पहल होगी अपनी संस्कृति की रक्षा के लिए। बिल्कुल सही है आपका कहना जी, और परंपरा में से डरना नहीं चाहिए, हमारी जो पारंपरिक चीजें हैं उसको तैरना चाहिए परंपरा में। अक्सर मैं कहता रहता हूँ कि वी मस्ट नॉट, उसका ये है कि वी मस्ट फ्लोट इन द वाटर ऑफ ट्रेडिशन, मतलब कहा गया है कि हमें परंपरा में तैरना चाहिए, डूबना नहीं चाहिए, ठीक है, तो हमें हमारी जो संस्कृति है उसमें हमको उसको लेकर उसको तैरना चाहिए, उसके अंदर उसका विकास होना चाहिए, उस पर प्रयोग होना चाहिए, सब चीज होना चाहिए, लेकिन उसमें अगर हम डूब जाएंगे तो वह भी घातक है, वह भी खतरनाक है। तो इसलिए एक इंस्टीट्यूट की आवश्यकता है जहाँ पर शोध हो सके, पढ़ाई हो सके, उस पर विचार हो सके, लोग पीएचडी करें, लोग डिग्री लें, तो एक तरह से मुझे लगता है कि बहुत सारे लोग उसमें प्रशिक्षित होकर निकलेंगे और इस तरह का माहौल बनेगा और अपनी संस्कृति की रक्षा भी की जा सकती है। जी जी, उस विश्वविद्यालय में मेरे ख्याल में नृत्य और चित्रकला भी जोड़ देना चाहिए आदिवासी, तो सब जोड़ देना चाहिए, तो परफॉर्मिंग आर्ट्स कर देना चाहिए, लोक जो कला से संबंधित जो कितनी भी कलाएं हैं उनको जोड़ देना चाहिए।
ये आप हम सब लोग मिलकर अगर इस तरह से प्रस्ताव प्रस्तावित करें, पहल करें, तो एक बहुत बड़ा काम होगा। जी बिल्कुल बिल्कुल सही बात बहुत है, बहुत धन्यवाद आपने जो बात कही है। निश्चित रूप से आप तो शुद्ध अंतर्मन से जो है और समर्पित शिक्षक और गुरु रहे हैं, इसलिए आपकी बात तो हमेशा सही है। लेकिन इसके साथ साथ कल एक चर्चा में आया था कि उड़ीसा के एक गांव में पारंपरिक रूप से जो है लोक कला सिखाई गई और वहां पर वो उनको सम्मान भी मिला उन गुरु को। और इसके अलावा कल एक और बात भारती जी के मुंह से बहुत अच्छी सुनने को मिली कि चले के नाचा और बोले के गीत, मतलब जब मैं चलता हूँ तो वो नाच है और बोलता हूँ तो वो गीत है। तो निश्चित रूप से पारंपरिक रूप से तो जो है गीत संगीत और लोक कलाएं जीवित रहेंगी जबकि उनसे जुड़े हुए लोगों को संरक्षण मिलेगा। और आप तो खैर अंतर शुद्ध अंतर मन से जो है प्रयासरत हैं इस क्षेत्र में, तो आप तो निश्चित रूप से वही उपयोग समझेंगे कि विश्वविद्यालय भी इसी काम में लगा रहे। बहुत बहुत धन्यवाद जी। जी शुक्रिया, थैंक यू। बहुत निश्चित रूप से बहुत ही सार्थक और बहुत ही उत्कृष्ट उद्बोधन आदरणीय सर का व्याख्यान रहा और बहुत ही उत्कृष्ट और सार्थक परिचर्चा भी रही। इसी क्रम में मैं भी दो चीजें जोड़ना चाह रहा हूँ फिर आगे जाऊं कि निश्चित रूप से ये जो शुरुआत हो तो मेरा भी विनम्र आग्रह है कि जो ग्वालियर और मध्य प्रदेश और राष्ट्र भर के जो रंगकर्मी हैं वो शुरुआत राजा मानसिंह तोमर विश्वविद्यालय से ही करें, वहीं पर ये लोक कला विभाग की स्थापना की जाए जहाँ पर ये लोक संगीत लोकगीतों के विभाग है, शास्त्रीय संगीत शास्त्रीय नृत्य नाट्य परंपराएं, लेकिन लोक की सच में आवश्यकता है। आदरणीय गुरुजी संजय उपाध्याय सर के मार्गदर्शन में मैंने यहाँ पर बुंदेली लोक नाट्य स्वांग जो हमारे अंचल का है बाकायदा एक सेमेस्टर और एक पेपर रखा हुआ है और उसमें हम साल भर में एक लोक नाट्य स्वांग करते ही हैं। और मैं बहुत गर्व के साथ बताना भी चाहता हूँ अपने गुरुजनों को, जब नैक की टीम विजिट करने यूनिवर्सिटी आई उन्होंने सभी विभागों के माध्यम से सबसे ज्यादा तारीफ ड्रामा डिपार्टमेंट की और इस बात पर की कि एक विलुप्त होती लोक नाट्य परंपरा का संरक्षण लोक नाट्य स्वांग का सिर्फ विश्वविद्यालय में हो रहा है। तो ऐसी बहुत ही सार्थक योजनाओं की आज आवश्यकता है और निश्चित रूप से परमादरणीय संजय उपाध्याय सर ने जब शुरुआत की तो शिष्ट कला अशिष्ट कला के माध्यम से की, लोक कला अशुद्ध कला है इस पर भी बहुत व्याख्या की विस्तृत चर्चा की, हमारी लोक कलाएं उनकी परंपराएं बारह मासा संस्कार गीत इत्यादि पर आपने प्रकाश डाला। लोग आपको माता पिता से संस्कारों में मिले और माता पिता माता से सीखते मिलते थे और पिताजी उसको थोड़ा सा विकृत और शुद्ध करते थे जिसमें प्रयोग को आपने तलाशा, उसे आपने रंगमंच में लगातार प्रयोग किया और रंग संगीत की प्रयोजन मूलकता को आपने सिद्ध किया। ध्वनि स्वर का खेल है, आपने बाबा कारंत हबीब तनवीर जी की परंपरा पर भी बात की ध्वनि के माध्यम से और आदिवासी समाज ध्वनियों को समझता है और उसका विकास करता है इस पर भी आपने गहन प्रकाश डाला। संगीत का स्रोत वो आवाजें हैं जो हमें ऋतु परंपराएं सामूहिकता परंपरा गीत पर्व त्योहार मौसम के अनुसार गीत और ध्वनियों का जो कच्चा माल है जो रॉ मटेरियल है वो हमें रंग संगीत और नाट्य संगीत के लिए प्राप्त होता है जनजाति कलाकारों से। रंग संगीत आदिवासी कला के बहुत करीब है, ध्वनियों को लेकर वह बहुत रिच है, नई आवाज ध्वनियों को खोजती है, ये महत्वपूर्ण जो विविध पक्ष है वह आपने अपने व्याख्यान में सहेजे। साथ ही प्रत्येक जगह स्थान पर संगीत की जो ध्वनियां हैं उनकी जो सामूहिकता में संगीत है उस पर भी आपने विस्तृत प्रकाश डाला। साथ ही स्कूल जाने पर और बच्चों के विद्यालय से आने पर जो उनकी ध्वनियां हैं उनके संगीत का जो स्वरों का उतार चढ़ाव है उसको भी आपने उदाहरण में सम्मिलित किया। ये सभी दुनिया लोक और जनजाति कलाओं के और संगीत कलाओं के बहुत करीब हैं और जुड़ी हुई हैं। लोक अपने आप में एक संस्थान है, वो अनगढ़ तरीके से विकसित हुआ जिस पर अभी बाद में भी सार्थक परिचर्चा हुई। वनवासी कलाएं लोक कलाएं प्रतिरोध के रूप में भी अभिव्यक्त हुई हैं इस पर भी आपने प्रकाश डाला। हमें वापस अपनी जड़ों पर अपनी देशज कलाओं की तरफ जाना होगा, उनका पुनर्जीवन करना होगा, पुनर्व्याख्या करनी होगी अपितु पुनर्रचना भी करने की आज जरूरत है, इस विषय पर भी बहुत गहनता से परमादरणीय संजय सर ने प्रकाश डाला।
आदिवासी बोलियों में भी नाट्य प्रस्तुतियां दी आपने, बघेली को मूल रूप से अनेकों नाटकों के सरने मंचन किए, उनके भी आपने उदाहरण दिए, और अंत में जो एक बहुत ही सार्थक हमें सजेशन भी दिया, जो हम एकेडमिक लोग सो कॉल्ड कहते हैं, मूल रूप से रंगकर्मी हैं, कि कहीं ना कहीं आज लोक कलाओं के संरक्षण संवर्धन हेतु निश्चित रूप से एक विश्वविद्यालय की आवश्यकता है, क्योंकि विश्वविद्यालय कहीं ना कहीं एक पाठ्यक्रम और सिस्टमेटिक ढंग से चलता है, तो उनमें से कम 25-30% तो ऐसे कलाकार निकलेंगे जो मूल कलाओं और मूल संस्कृति की तरफ जाएंगे, तो उन्हीं से हमारी कलाएं रिच हो जाएंगी। अगर व्यापार भी एक तरफ चलता रहा तो कोई हमें प्रभावित ज्यादा नहीं हो, लेकिन संस्थानों की आज निश्चित रूप से बहुत आवश्यकता है। और अंत में सर ने एक बहुत अद्भुत और पथ प्रदर्शक बात कही, परंपरा में तैरना चाहिए, डूबना नहीं, और इस कला के और इस वक्तव्य के साथ, इस कोटेशन के साथ सर ने अपनी वाणी को विराम दिया। मैं संपूर्ण आयोजक मंडल की तरफ से आभार क्या प्रदर्शन करूं सर आपका, तो जितना भी आभार करूं वो कम है, आपसे हम निरंतर सीख रहे हैं, आज भी प्रेरणा ले रहे हैं, और लगातार आपकी ऊर्जा हम सब में संचरित हो रही है, हम सब आपकी ही परंपरा के अनुग्राही हैं जो निरंतर उसका अनुपालन करने का प्रयास मात्र कर रहे हैं, और अगर उसमें किंचित हमें सफलता प्राप्त होती है तो निश्चित ही अपने गुरु के प्रति हमारी ये सबसे बड़ी श्रद्धा और समर्पण होगा। मैं कार्यक्रम में आभार प्रदर्शन के लिए श्री नीरज भाई जी को आमंत्रित करूं, उससे पहले मैं बताना चाहूंगा ये जो संपूर्ण परियोजना है, संपूर्ण जो आयोजन है वो हमारी तीन संस्थाओं के विशुद्ध रूप से कर्मठता और सहयोग से हुआ, इंद्रवती नाट्य समिति सीधी, संस्कार भारती मध्य क्षेत्र संपूर्ण उसके कला मर्मज्ञ, और राजा मान सिंह तोमर संगीत एवं कला विश्वविद्यालय का नाट्य एवं रंगमंच संकाय। इसी के साथ जो लोक कलाओं का प्रदर्शन हुआ, अन्य आयोजन हुए, उनमें भी हमें बहुत महत्वपूर्ण संस्थाओं का सहयोग प्राप्त हुआ, जिसमें इंद्रवती लोक कला ग्राम हस्तिनापुर, सुयश लोक रंग एवं नाट्य समिति अमरवाड़ा, मांडव लोक कला सांस्कृतिक समिति, निवशीड डिंडोरी, ट्रांसफ्रेम सीधी, आर्ट ऑन क्लिक जिसके माध्यम से संपूर्ण ये प्रसार प्रचार हुआ है फेसबुक और जूम के माध्यम से, उसमें सहयोगी रूप से बहुत उत्कृष्ट कार्य किया शिवा हमारे छोटे भाई ने, और विशेष रूप से जो संरक्षण हमें प्राप्त हुआ है परम आदरणीय श्री गिरिजा शंकर सर का, और मार्गदर्शन हमें निरंतर और तीन चारों दिन लगातार प्राप्त हुआ है परम आदरणीय हमारे भाई साहब डॉक्टर श्री प्रमोद झा जी भाई साहब का, संस्कार भारती से जो संगठन मंत्री हैं उनका निरंतर हमें आशीर्वाद मिल रहा है, और संपूर्ण कार्यक्रम के लिए डॉक्टर अनूप मिश्रा जी जो भाई साहब हैं उनका लगातार सहयोग रहा। प्रथम दिन से लेकर आपने निःशुल्क रूप से भंडारा आयोजित करवाया, साथ में भोजन और अन्नदान की जो चीजें हैं उनकी व्यवस्थाएं लोक कलाकारों के लिए कराई, इनके लिए बहुत बहुत आभार व्यक्त करते हैं। संपूर्ण जो परिकल्पना है वो नीरज कुंदेल की रही, प्रबंधन रोशनी प्रसाद मिश्र का रहा, और संयोजन रजनीश जायसवाल का रहा। और अब मैं थोड़ा सा इंट्रोडक्शन परिचय इंट्रोडक्शन देना चाहूंगा। आदरणीय अनु भैया जी पेशे से, जहां तक मैं जानता हूं कि लोक पेशे से डॉक्टर हैं और लोक कला मर्मज्ञ हैं, लोक कला के संरक्षण संवर्धन हेतु निरंतर कार्य कर रहे हैं, और कलाओं को ऐसे संरक्षकों की बहुत आवश्यकता है, ऐसे जैसे राज्याश्रय में पल्लवित होती हैं, देवाश्रय में लोकाश्रय में पल्लवित होती हैं, ऐसे ही कला मर्मज्ञों के द्वारा भी आज पुष्पित और पल्लवित होने की आज आवश्यकता है। तो मैं बहुत ही विनम्रता और आदर से आमंत्रित करना चाहूंगा आदरणीय अनु भैया जी को कि वो कार्यक्रम का आभार प्रदर्शन अनु भैया जी से कराएं। नीरज भाई, नीरज भाई आवाज आ रही है? जी जी आ रही है, आ रही है। तो आभार प्रदर्शन आपसे करवाऊं या अनु भाई से करवाऊं? ये अनु भैया आवाज प्रदर्शन। मैं निवेदन करता हूं अनु भैया जी से, अनु भाई साहब से, कि वो आज के कार्यक्रम का आभार प्रदर्शन करें और बाद में दो शब्द नीरज भाई भी बोले। अनु भाई साहब, मैं चाहूंगा अनु भैया अपना माइक और वीडियो दोनों ऑन कर लें भैया। सभी जनों को प्रणाम। शायद मेरी आवाज आ रही होगी। जी जी भाई सवारी आपके पास। जी जी बहुत ही ये चार दिवसीय जो था, तो जो चार दिवसीय आपका ये वनवासी कला महोत्सव, इसको मैंने जितना भी हो सका इसमें पार्टिसिपेट करना और देखने का प्रयास किया, क्योंकि व्यस्तता मेडिकल लाइन ऐसी है
तो मैं आभार तो कैसे कैसे लोगों का, कई ऐसे आभार पड़े हुए, हिमांशु जी जैसे आप ही हैं जिनको मैं पहले मिला हूँ, तो आप यहाँ पे आए, आपने जो हमें किताबें दी थी उनको मैंने पढ़ा और वही मुझे काफी अच्छी लगी। दूसरा मैं लगभग क्रमशः अगर चलूं तो सबसे पहले जिनसे मैं मिला हूँ प्रमोद झा भाई साहब, जो मुझे मैं सुना था प्रमोद झा भाई साहब के बारे में कि भाई साहब कला और कलाकारों को बहुत ज्यादा मान सम्मान देते हैं, उनके लिए कुछ ना कुछ करते हैं। तो चूंकि भाई साहब हमेशा इंदौर और भोपाल की तरफ रहते हैं, मतलब उनका काम रहता था, पर जब से भाई साहब ने सीधी में एक बार आए थे सीधी, मैं चाहूंगा फिर से आए, आपके आने के बाद यहाँ पे जो हम लोग के अंदर ऊर्जा आई और काम करने का जो एक जज्बा आया, तो सबसे पहले मैं उसके लिए आभार व्यक्त करूंगा। बाकी तो ये बहुत सारे काम जो है नीरज जो है मुझे बता बता के करवाता रहता है कि भैया इसमें ऐसा करना है। तो दूसरा यहाँ पे हमारे संजय उपाध्याय जी जो हैं, मैं आपके साथ कई बार रूबरू हुआ हूँ, आपको बहुत अच्छे से जानता हूँ, आप प्रसिद्ध रंगकर्मी तो है ही हैं, साथ में आपको बड़े भाई की तरह मानता हूँ और बहुत सारी चीजें आपसे सीखता भी हूँ। तो मैं इतना कहूंगा कि जैसे आपने कहा कि कला का संरक्षण अगर मैं करता हूँ, तो बहुत सारी चीजें हैं कि कुछ लोग होते हैं कि उनके अंदर कला तो होती है पर बाहर प्रकट नहीं कर सकते हैं, तो कहीं ना कहीं किसी रूप में वो चाहते हैं कि मैं नहीं कर सकता तो कम से कम सामने वाला करता रहे और मैं अपनी आंखों से देखता रहूं। तो ये कहीं ना कहीं मुझे संजय उपाध्याय भाई साहब चार पांच साल पहले एक बार बात हुई थी, उन्होंने मुझसे बोला था कि आप ये जरूर इनकी मदद करते रहिए, तो मैं इनकी मदद नहीं करता हूँ, ये हमारी मदद करते हैं कि जो हमारी अंतरात्मा में कला है उसको जीवित रखने के लिए। इसके बाद अभी मैंने बीच में देखा अचानक भाई साहब आदरणीय राजीव वर्मा जी आए थे, तो मुझे वो याद है कि आप आए थे सीधी, और चूंकि हम लोग इतनी बड़ी संस्था नहीं कोई प्रोग्राम कराएं तो कोई बहुत बड़ी प्रोत्साहन राशि या व्यवस्था कर सके, जितना हो सकता है करते हैं, तो आपको हमारे द्वारा 11,000 रुपए का चेक दिया गया था, आपने वो 11,000 रुपए वापस किया संस्था को, और जो भी मतलब रहना खाना हर चीजें आपने जबरदस्ती वो करके कि नहीं 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 मुझे नहीं चाहिए। तो ये सब चीजें छोटी छोटी चीजें मन को गुदगुदाती हैं जब अचानक कभी देखने को मिल जाए या सुनने को मिल जाए, और एक मन में आत्मसम्मान और बढ़ता है। मैं निश्चित ही आज के जो वो थे अतिथि थे आज के जो प्रोग्राम के कुल सचिव जी आदरणीय श्रीकांत शर्मा जी, और इसमें पार्टिसिपेट में थे प्रोफेसर वाइस चांसलर आदरणीय पंडित साहित्य कुमार नाहर जी, आप सबको मैं दंडवत प्रणाम करता हूँ कि आप लोग इसी तरह से हम लोग का मनोबल बढ़ाते जाइए, क्योंकि हम लोग सीधी में एक ये कहिए कि रोज ही हम लोग भी बनवासी ही हैं, क्योंकि हम लोग जो कला जिनके बीच में रहते हैं जैसा है कारण है सुविधाएं ना मिल पा रहा, सबसे बड़ी चीज है, एक शिकायत भी है कि यहाँ सीधी में बहुत सारी सुविधाएं भोपाल से चलते चलते जो आती हैं तो वो रास्ते में कई जगह रुक जाती हैं। तो ये नीरज है जो बेचारा भाग दौड़ के रात दिन एक कर करके उस चीजों को लाता है बताता है, कई सारी दिक्कतें होती हैं जिसको ऑन द रिकॉर्ड आदमी नहीं कह सकता, फिर यही होता है बैठ के कि नहीं यार चलो करना तो है चाहे कैसे भी हो, फिर आदमी जुगाड़ करता है कहीं इधर से। तो ऐसे ही है, बस आप लोग का आशीर्वाद बना रहे, तो आपका ये छोटा भाई हमेशा साथ में चलता रहेगा। और इसमें मैंने छिंदवाड़ा के अंबर तिवारी मांडू से कृष्णा जी आज के थे, डुबरी शुक्ल धुर्वे जी, तो आप लोगों ने रियली जो आप लोग का जो ये चार दिवस का जो एक सघन, और मैंने इतना बड़ा प्रोग्राम नहीं देखा, मतलब होता है कोई भी आयोजन एक दिन का होता है, चार दिन से लगातार और इतना बढ़िया चल रहा है, ये अपने आप में एक अलग ही अपना वो शिक्षा दिख जाएगा। और कहीं ना कहीं जो सही में जो जैसे डिंडोरी मांडू और सीधी यहाँ पे जो जो नाट्यकर्मी हैं, जो चित्रकला वाले हैं, जो संगीत वाले हैं, इनको सबसे बड़ा जो वो दिख जाएगा वो उनको मनोबल दिख जाएगा और अच्छा करेंगे ये। तो मैं एक बार फिर से बहुत बहुत सबको साधुवाद आभार व्यक्त करता हूँ। मेरे शब्दों में वो धार नहीं है क्योंकि मैं डॉक्टर हूँ, हम लोग की राइटिंग भी गड़बड़ हो जाती है लिखते लिखते, तो बोलने का तो मौका हम लोग को सिर्फ मरीज को ही दवाइयों समझाने के अलावा कुछ होता नहीं है,
तो इसलिए जो गलतियां हुई हुई आभार व्यक्त करने में उसके लिए भी क्षमा प्रार्थी हूँ। चाहूंगा कि आप सब फिर सीधी में जब कभी हो तो आप लोग आए और अपना आशीर्वाद देते रहें। आपका ये छोटा भाई हमेशा जिस रूप में चाहेंगे उस रूप में खड़ा मिलेगा। धन्यवाद। बहुत सुंदर डॉक्टर साहब, ऐसा नहीं है, लेकिन आप ऐसे देश भर के एकमात्र ऐसे डॉक्टर हैं जो कला को सहेज रहे हैं, संरक्षण संवर्धन दे रहे हैं, और इससे बड़ा डॉक्टर हमारे लिए और कोई हो ही नहीं सकता। वो अपने आप में आप कला के डॉक्टर हैं जो कला को संचरित कर रहे हैं और बीपी ना लो होने दे रहे हैं ना बीपी हाई होने दे रहे हैं, रक्त का प्रवाह बिल्कुल सही ढंग से चल रहा है कला के माध्यम से। और मैं अपनी वाणी के माध्यम से इस कार्यक्रम के जो परिकल्पना जिनकी थी नीरज भाई, नीरज कुंदेल जी, उनसे आग्रह करता हूं कि अब आप कुछ कहें। मैं अभी क्या बोलूं, इतने सारे गुणीजन लोग को सुनकर बोलने की हिम्मत नहीं है, लेकिन सभी को बहुत बहुत प्रणाम, चरण स्पर्श, कि आपका आशीर्वाद बना रहे और लगातार सीधी में कुछ न कुछ गतिविधि चलती रहे, और आपको सबका आशीर्वाद रहेगा तो चलता ही रहेगा। हिमांशु भाई का बहुत सहयोग रहा, आपके कारण ये जो लोक वार्ता थी बहुत ही जबरदस्त तरीके से 4 दिनों तक संचालित हुई। ओम प्रकाश भारती सर आए और सुबह वैद्यताई आई, बसंत निर्गुणे सर आए, आज कुलपति सर, कुल सचिव सर आए, राजीव सर, संजय सर और जितने भी लोग हैं, तो प्रमोद भाई साहब जी का लगातार मार्गदर्शन मिलता रहा, प्रतिदिन बात होती रही, बताते रहे कि कैसे कैसे क्या क्या चल रहा है, क्या क्या कैसे कैसे और होगा, पूछते रहे। तो मैं सभी का बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं और ज्यादा समय नहीं लूंगा, सबको बहुत बहुत प्रणाम। बहुत बहुत धन्यवाद नीरज भाई। और मैं पुनः इस संपूर्ण आज जो यज्ञ की समाप्ति है, हवन है, और उसके लिए दिल से, क्योंकि आप सबके बिना जो हमारे दर्शक दीर्घा में है, जितने भी देश देशांतर से, ये सबसे बड़ी खासियत मैं इसको कहूंगा कि सिर्फ एक राज्य नहीं, दो राज्य नहीं, 10 से 15 राज्यों के विद्यार्थी, कम से कम 4 राज्यों 5 राज्यों से तो मैं भी परिचित देख रहा हूँ, वो जुड़े हुए हैं, स्कॉलर जुड़े हुए हैं, रंगकर्मी जुड़े हुए हैं, विद्यार्थी जुड़े हुए हैं और कला मर्मज्ञ जुड़े हुए हैं। मतलब सिर्फ विद्यार्थी शोधार्थी नहीं, कला के जो दैदीप्तमान नक्षत्र है वो जुड़े रहे। तो सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामयाः, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुःख भाग् भवेत्। और ऐसी ही परिकल्पना रही, ईश्वर का कृपा रही, इस तरह का ये संपूर्ण अनुष्ठान जो रहा वो निर्विघ्न समाप्त हुआ। नट देवता हमारे प्रसन्न हो गए हैं, आज भरत वाक्य की समाप्ति हो रही है, और इन्हीं शब्दों के साथ मैं आप सभी को करबद्ध प्रणाम करता हूँ, धन्यवाद करता हूँ, और अंत में अपनी इस गौरवमयी धरती भारत की, भारत माता, उसको वंदे मातरम और भारत माता की जयकार करते हुए, वंदन अभिनंदन, भारत माता की जय, वंदे मातरम, और आप सभी को अग्रिम स्वतंत्रता दिवस की अंत शुभकामनाएं, शुभरात्रि, वंदे मातरम, भारत माता की जय। धन्यवाद। भारत माता की जय। 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 माता की जय। सभी को भारत माता की जय।